तक आप समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं आपका हालचाल पूछने की हालत में बिल्कुल नहीं, इसलिए सीधे अपनी कहानी पर आता हूँ। Myself S. परशुराम, क्लास फर्स्ट। क्लास का टॉपर है परेश परशुराम। Very good boy। क्लास फर्स्ट से ही मैं हर फील्ड में फर्स्ट आता रहा हूँ। फिर एक दिन आप पनौती हमारी लाइफ में एंट्री मारी। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे स्टेट में सेकंड आए परशुराम को। और अब मैं उस फर्स्ट क्लास स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा जो क्लास में हमेशा थर्ड डिवीजन लाया करता था। लगता है इसने दिवाली एक्सचेंज ऑफर में अपना दिमाग एक्सचेंज करवा लिया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरी ही आंसर शीट से पूरी नकल मारकर ये फर्स्ट कैसे आ गया और मैं सेकंड कैसे आ गया? फिर सेकंड पर से जीरो पर आ गया। मेरी रैंकिंग ही नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड भी छीनी, लुटी गयो मने। अच्छा हुआ सुगन ने मुझे तुम्हारी असलियत बता दी, कुत्ते की तरह मुंह मारते हो। थैंक यू सुगन, नाउ ऑनवर्ड्स आई जस्ट। पहले गर्लफ्रेंड को भगाया, अब मैं खुद एक फरार मुजरिम बन के यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मिस्टर वरदराजन, भारत के 6 सबसे अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन में से एक है। इसी वरदराजन के खून का इल्जाम लगाया हम पर। ये तो वरदराजन है, इसको ये क्या हो गया? पुलिस ना धोकर हमारे पीछे पड़ी है। वो मम्मी बचा, मरी क्या? ये सब तो पुराने किस्से हैं। आप जानना चाहेंगे कि इस वक्त हम इस उड़न खटोले में खतरनाक उड़ान क्यों भर रहे हैं? ये सब हो रहा है बिरयानी की वजह से। जी हाँ, 2 प्लेट बिरयानी खाने की ख्वाहिश ने हमें मौत की उड़न दश्तरी में बिठा दिया है। यकीन नहीं हो रहा है ना? है ना? थोड़ी देर में हो जाएगा। परसु, हाँ? फिर से व्हाट्सएप कर रहा है? नहीं जीजू सर, मैं सोच रहा था पहले किसे फोन करूं। हाँ मिल गया। किसे कर रहा है? अपना वही सिक्स पैक छेन। हाँ यार, आज सिर्फ 500 पुशअप्स लगाए और 1200 किलो का डंबल भी उठाया मैंने। लगता है लाइन कट हो गई है। हाँ बोल। तो मुझसे बात कर रहा है या किसी और से? वो क्रॉस कनेक्शन हुआ था। अच्छा सुन, आज शाम को क्या कर रहा है? लगता है शाम की मीटिंग फिक्स होने वाली है। ओके 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 बाय। अरे अभी हुई नहीं, तू बोलना यार। आज शाम को अपने जीजू सर बैचलर्स पार्टी रखने वाले थे, इसलिए इनवाइट करना था। ओ पार्टी, लेकिन तूने बोला ना तुझे एक मीटिंग में जाना है। मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी यार। कोई बात नहीं। मैं आ रहा हूँ, तू लोकेशन बता। अंधेरी से राइट लेगा ना, बांद्रा के पीछे जाना है। अरे मेरे बीच हाउस में पार्टी रख लेते यार, फ्री ऑफ कॉस्ट। जूते वॉचमैन के पहनता है और बीच हाउस की बात करता है। आप किसे फोन कर रहा है? आइंस्टाइन की 6ठी औलाद, न्यूटन का भतीजा किरण। 1 2 3 गुड, करते रहो। हाँ परेश, जो कहना जल्दी क्या, मैं रिहर्सल हॉल में हूँ। JUSBP। कहाँ पर? BH। ठीक है, पहुँचता हूँ। ए, ये शॉर्टकट में क्या बोला? जीजू सर की बैचलर्स पार्टी, बांद्रा बीच हाउस। तुम लोग ऐसे ही शॉर्टकट में बात करते हो? अब अगला कौन है? एवरीवन रेडी? रेडी सर, टेक सर। कैमरा रोलिंग, एक्शन। हेलो राजू। हाँ सर। जो करना है फ्रेम में कर, बाहर जाके क्यों कर रहा है? One more, सर। कब से एक्टिंग कर रहा है समझ में नहीं आता तुझे, फ्रेम में आके करना है। हाँ बोल। शाम को पार्टी आएगा ना? पार्टी? हाँ, बांद्रा बीच हाउस पहुंच जा। ठीक है भाई, पहुंच जाऊंगा। बाय 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 बाय। ए, पैक अप कर। हाँ पंडित जी। गुरु जी, माला पहन ली क्या? बस मेरा नंबर आने वाला है। आज शाम को सुगन के होने वाले जीजू गला गीला करने वाली पार्टी दे रहे हैं। क्या कहा, ड्रिंक पार्टी? ड्रिंक करोगे? नहीं, मंदिर में ड्रिंक विंक नहीं बोलते, इसलिए गला गीला बोला। ठीक है पंडित जी, लो माला पहन। स्वामी जी, मैं रोते नहीं, रोते नहीं। मेरे दादे के भाग में सर गए, मैं अनाथ हो गया। परसु, तुम्हें नहीं लगता ये पार्टी लड़कियों के बिना थोड़ी बोरिंग हो जाएगी? सुगन आएगा, वहाँ लड़की आ ही जाएंगी।
इससे परसों मॉर्निंग में तुम व्हाट द हेल इन द वर्ल्ड गॉट हिम दिस इज फॉर वीजी इज्जत का सवाल है ये सुगंध यहाँ जो हो रहा है उसका पता तुम्हारी बहन को नहीं लगना चाहिए किसका अरे गर्ल्स डांस और ये पार्टी मैं तो नहीं बताऊंगा आप भांडा फोड़ दोगे मैं अपना ही भांडा क्यों फोड़ूंगा मेरी बहन मेरी हर बात पे यकीन करती है आपकी तारीफ में बहुत झूठ बोले उससे यही सुना था तुम एक काम करोगे मैं एमडी के साथ अंबुर जा रहा हूँ तुम मेरी कार ले आओ ओके और ध्यान से चलाना ये इंडिया का एकमात्र शहर प्रियंका ए बंद करना टीवी स्टार इधर ही चे चुप रहे कंटिन्यू डार्लिंग ए म्यूट कर अरे एंबैरस करना बंद करो प्लीज नमस्ते पानी की कमी की वजह से सुगन ने नीट दारू पिलाई मैं सुगन की गर्लफ्रेंड हूँ और इस वक्त वो मेरी बाहों में है सुगन आई लव यू आई मिस यू आई किस यू हैंगओवर मस्त फिल्म है यार मस्त नहीं मैसी फिल्म है सारी रात ड्रिंक करेंगे तो फोन तो हैंग हो ही जाएगा ना एक बार सुबह चाय की जगह ड्रिंक पीकर ऑफिस चला गया था फिर मेरा इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट हो गया कुछ दूसरा लगाना किस दो ना चुप रहो कम ऑन यू कैन डू इट तुम लोग टीवी देखो ना यार लाइव शो छोड़ के टीवी कौन देखेगा ए कंटिन्यू करना प्लीज अगली बार तो चिकन बनाएगा ना तो पानी की जगह दारू डालना हेलो हाय डार्लिंग कल्पना स्टॉप ये क्या हो रहा है सुगन कल्पना क्या कर रही हो तुम होश में आओ मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ हम दोनों शादी करने वाले खुद पर काबू रखो अरे सुगन दो नंबर करने का कि एक नंबर तो फिर तुमने मेरे साथ डांस क्यों किया कल्पना यहाँ बैठो तुमसे मैं हंसी मजाक कर लेता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैं चाहता हूँ इंसान जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल कर सकता है सिवाय सुसु के हार कर जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं सुसु रोकने वाले को बाजी अगर मगर कहते हैं हटो ना मानती हूँ मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली पर इसके लिए मुझे अवॉइड मत करो जानती हो लाइफ की असली फिलॉसफी क्या है नहीं जानती हो लेकिन मैं जानता हूँ मेरी तरह आगरा जाकर तपस्या करती है तो वहाँ का फेमस घाघरा फ्री में मिल सकता है। एक 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 घाघरा पहन के गरबा। सुगन। हाय बेबी। ये क्या है? अरे ये तो अपने सुगन के जैसा ही दिख रहा है। तुम ही तो मैं। प्रियंका। प्रियंका। हे, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। आज तो छुट्टी है ना? पता है, एक अर्जेंट मीटिंग है। एमडी ने बुलाया। एमडी तो आउट ऑफ टाउन है। एमडी और मेरे होने वाले वो तो अंबुर ब्रांच की ओपनिंग के लिए गए हैं तुम्हारे इस होने वाले वो के पास और कोई काम नहीं है क्या चल जब देखो तुम्हारे कान भरता रहता है ए तेरे होने वाले जीजा है वो मैंने हरी को कार लाने के लिए कहा था उसी के साथ जा रहा हूं सुगन मेरी शादी के इनविटेशन कार्ड्स बांटने बाकी हैं तुम अंबुर चले जाओगे तो कार्ड्स कौन बांटेगा मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम बांटेंगे बांटेंगे सुगन सुनना बड़ा हो गया लेकिन अभी तक घुटने में ही अकल है सुगन तुम्हारी लाइन तो क्लियर हो गई है मेरे रूट पर थोड़ा रेड सिग्नल है उसे ग्रीन करने जा रहा हूं अकेले मत जाना अरे आ जाएगा दीदी यू आर द बेस्ट आज तो पप्पा ने कहीं ना वेचो प्रियंका ने पटाविश ये क्या कल ही तो इनका ब्रेकअप हुआ था आज हालात और भी गंभीर हो गए यस यस फाइट फाइट विद ऑल माइट हां सुपर सुपर एडी एडी लगे रहो कम ऑन कम ऑन मजा आ रहा है ये क्या वो मान गई वो हाथ पकड़ लिया ऐसे थोड़ी होता वो तो उस कमीने के गले भी लग रही है ए ऊपर वाले फिर से पटा लिया उसे सुगन ने अब क्या करूं ये 50 रुपए का स्टुपिड फूल मैं इसे कहाँ गया वो फूल कहाँ गया कि क्या हुआ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मेरी बात तो सुनो मैंने नहीं करनी जोड़ देता हूँ ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो ये लेटर में दिल दिया दर्द लिया सही कहा
अगर उसके साथ दोस्ती रखोगी ना तो तुम्हारा हाल भी इस फटे हुए लेटर जैसा होगा। So both of you go to hell. दिल भांगी ना थोड़ी ना। क्यों रे, उसे पटाने आया था ना? हाँ, तो कल रात को तुम दोनों का झगड़ा हो गया था ना, उसने भी बोला था कि वो तेरी शक्ल नहीं देखेगी, सोचा मैं अपना बाकड़ा डाल दूँ। कहा तो था पर किया नहीं। मेरे दोस्त, प्यार में सब चलता है। मैंने तुझे बोला था ना मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ। हाँ तो? और तूने बोला था तू उसे मेरे लिए पटा रहा है। अरे वो सब छोड़, तुझे एक सेक्सी पटाखा पटा कर दूंगा। और फोड़ेगा भी तू ही। यह है रियाज अहमद, सीनियर सीबीआई ऑफिसर, बहुत काबिल और बहुत ईमानदार भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मिस्टर वरद राजन, भारत के 6 सबसे अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन में से एक है और साउथ इंडिया में नंबर 1। पूरी दुनिया में इनकी इमेज एक दयावान जैसी है, लेकिन दूसरी ओर इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं। इनके बहुत से बिजनेस गैर कानूनी हैं। इन्होंने गरीबी से अमेरिका का सफर केवल 10 सालों में पूरा किया। नम ग्रुप ऑफ कंपनीज के ये मेजर शेयर होल्डर हैं। नम टीवी नेटवर्क में 52 चैनल्स हैं। कई सेंट्रल मिनिस्टर्स इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर से इनके घरेलू ताल्लुकात हैं। एक इतने पावरफुल आदमी का नाम ग्रेनाइट माइनिंग स्कैम से जुड़ चुका है। This is the perfect time to arrest him. पर ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। I understand, sir. लेकिन सरकारी मोहर लगाकर आप अरेस्ट वारंट मेरे हाथ में दे दीजिए, I'll arrest him. मैं उसे जेल भिजवाऊंगा और सच उगलवाऊंगा। पहले मैं होम मिनिस्टर से बात कर लूंगा, उसके बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। होम मिनिस्टर? शायद वरद राजन उनके साथ अभी लंच कर रहा हूँ। सर, आपका डिसीजन जो भी हो सीक्रेट रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं इससे मिलूंगा फेस टू फेस। मिस्टर वरद राजन, इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक और इल्लीगल बिजनेस में नंबर 1। दीदी, मेरी ब्लू जींस कहाँ है? नीली अलमारी में है। मेरी व्हाइट शर्ट? काले कबर्ड में। सॉक्स? जूते में। तैयारी तो ऐसे कर रहे जैसे अमेरिका जा रहा हो। पास के गांव जाता है तो भी 3 सूटकेस भर देती है, अमेरिका जाएगा तो पता नहीं क्या करेगी। बहन जो है वो भी भाई का फर्ज निभाता है, जेवर से लेकर बरातियों के खाने का इंतजाम अकेले कर रहा है, और क्या चाहिए। ठीक है, 2 दिन में लौटाऊंगा। देख, सारे काम अकेले मत करना, वो गांव से आंटी आ रही ना, उनकी मदद लेना। और सुन, तेरी शादी होने वाली, थोड़ा ग्लैमर रखना। जीते रहो। देख, कार आराम से चलाना, तुझे तो पता ही ना कि वो कार तेरे जीजू की है। एक और बात, तेरे साथ परेश तो नहीं आ रहा है? वो तो ट्रेन जा रहा है। तब तो सेफ है तू, तुझे तो पता ही है ना कि वो लफंगा नंबर 1 है। वो ठोका क्यों? गाड़ी रोक, तू पास 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 चला। गाड़ी ठोकी क्या तू बोल रहा? रोक, रोक। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। छोकरी ने किडनैप करी थी शू? स्टॉप दे था। भगा भगा तेज भगा, कोई तो लगा है। रोक 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 साले, इधर घुस रहा है। कान के नीचे लगाता हूँ साले, तो कांच तोड़ दिया। अविनाश, तेरी इतनी हिम्मत हमारी शादी करेगा? परिमल, परिमल मालकिन। भैया नहीं, जाने दीजिए, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई। आंखें नोच लूंगा, चल। अब साहब इसका फैसला करेंगे। सर थैंक यू, वो हमारी मालकिन को लेके भाग रहा था। हां ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बाय सर। टाटा। लगता है वो अविनाश नाम का लड़का उस लड़की को भगा ले जा रहा था। वही तो, सारी लड़कियां अगर तुम ही उड़ा लोगे तो हम जैसों के पास किडनैपिंग के अलावा क्या बचा? मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है? लड़कियों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया।
पता नहीं किस ओर जा रहा हमारा देश। क्या जीजू, आप तो हॉट मॉडल्स बुलाने वाले थे, ये तो महिला आश्रम की लग रही। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं, इनको तो मैं पलट के ना देखूं। बच गए हम भी और ये लड़कियां। तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। सच में यार, इनमें कोई क्या देखे? अच्छा पहले मेरी बात सुनो, वरदराजन के इंटरव्यू के लिए कल नम टीवी से टीम आ रही है, उनके लिए रूम बुक करो। हेलो, अगर सारे काम मुझे ही करने तो आप क्या करें? अरे मैं मैनेजर हूँ। पहले डैमेजर थे, मेरी बहन से प्यार किया तब जाके मैनेजर बने हो, ये बात भूलना मत। ये गलत बात है, हर बात में अपनी बहन को बीच में मत लाया करो, मैं खुद ही कर लूंगा। क्या कर रहा छन पकैया, मुझे तुझसे प्राइवेट में बात करनी है। तेरी बातें वैसे भी पब्लिक में करने लायक नहीं होती है। लड़कियों को देखते तुझे कैसे प्यार हो जाता है? सुगन प्लीज, मेरी फीलिंग को समझो, मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। तू जानता है तेरी फिक्र मुझे खाई जा रही है, मैं जल्दी ही तेरे लिए एक लड़की ढूंढता हूँ। पर मने गमे छे दोस्त, आई लव हर, ना मैं उसके बिना नहीं जीना, मेरी हेल्प कर प्लीज, कोई गुरु मंत्र दे। ठीक है, कुछ करता हूँ। ये बताओ उन तीनों में से कौन सी अच्छी है? तीनों हड्डी को घूरने वाले किसी कुत्ते जैसा लग रहा है। अगर ऐसी एवरेज लड़कियों को इतनी इंपॉर्टेंस देगा ना, भाव खाने लग जाएंगे। थोड़ा रिलैक्स कर, इतना भी रिलैक्स मत कर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, हाँ इतना काफी। अब थोड़ी देर के लिए उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर। हा? तो फिर पटाऊंगा कैसे? यहाँ गुरु कौन है? अगर उन्हें यह एहसास हो जाए कि वो खूबसूरत नहीं है, तभी वो तुझे भाव देंगी, समझा कि नहीं? चल चल देख ले, लेकिन जैसे ही वो देखे ना तो दूसरी को देखना शुरू करना। वो पल्लू ठीक करके जताएगी कि वो तेरी तरफ नहीं देख रही है। पल्लू ठीक किया तो ध्यान मत दे। Hi girls, is everything okay? रूम तो कंफर्टेबल है ना? सुबह सर, हाँ आपने वरदराजन के स्वागत के लिए शॉल्स, बुके और बैंड का अरेंजमेंट कर दिया ना? हाँ कर दिया। और वो चार ट्रैक्टर्स भी पहुँचने वाले थे, उनको फॉलो अप किए? कहाँ से पहुँचने वाले थे? आप इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो जाते? सारे काम मुझे संभालने पड़ते हैं। अच्छा कल वरदराजन कितने बजे आ रहे हैं? 9 से 9:30 के बीच में। ठीक है मैं संभाल लूंगा। कुछ भी बोलता है। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, आई विल बी बैक। मैं अभी आई। हाँ ओके। ए ये तो जाए छे। अरे नहीं, वो वॉशरूम जाएगी, थोड़ा मेकअप लगाएगी, फैशन अप होगी और वापस आएगी, देख ले। तुझे कैसे पता? नादान बच्चे, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? वो इसी तरफ आ रही है। मेरा काम पूरा हो गया। Wish you a very happy birthday. Go on. Hey, nice shirt. Hey, उसने मेरी नहीं, इनडायरेक्टली तेरी तारीफ की है। तेरी तो लॉटरी लग गई। अरे वो ट्रैक्टर्स आए या नहीं आए? क्या सुगन ने तुम में से किसी का नंबर मांगा था? नहीं। अगर लिया है तो बता दो, मुझे उससे बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है, बताओ ना। मेरा लिया था। अपना फोन दो। ए, जल्दी निकलना। यार पेट गड़बड़ हो गया। बड़ा पाव खाएगा तो पेट बिगड़ेगा। क्या बाथरूम में क्या कर रहा था? ए, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, बाथरूम जिस काम के लिए बने वही करता हूँ। ले फिर किसी लड़की का फोन? मुझे लड़कियों के इतने फोन आते ना, तो मैं बाथरूम में वही काम करता जो करना चाहिए। ये ले बात कर ले।
सबूजर का कॉल है। वो लड़की के फोन से क्यों फोन कर रहे हैं? अपने आप को बहुत छाना समझता है। सुबह से कई कॉल कर चुका है, मैंने उठाया नहीं, इसलिए उन तीनों में से किसी एक मॉडल के फोन से कॉल कर रहा है। ये सवाल मतलब श्रीदेवी का फोन था? हाँ, तुम्हारे लिए कॉल था लेकिन वो कट गया। चलो चलो, जब तक ये मेरा दोस्त रहेगा मेरे साथ कोई गरबा नहीं खेलेगा। सुगन, कहाँ हो तुम दोनों? ट्रैफिक बहुत है सर, 10 मिनट में पहुँचते हैं बस। जल्दी आओ, वरदराजन साहब के आने का वक्त हो गया है। परेश की वजह से लेट हो गए सर, आ रहे हैं। ओके। हमें बताया तुमने उसको नंबर क्यों दिया? थैंक यू। तूने श्रीदेवी को भी अपनी देवी बना लिया। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी? देखी तो है पर इतनी खूबसूरत नहीं देखी। तुम बैंगलोर से हो? नहीं तो क्यों? मैं चेन्नई से हूँ। अच्छा, मैंने सुना था कि बैंगलोर की लड़की बड़ी खूबसूरत होती है। ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं चेन्नई से हूँ। मैं कोची से। ओ, आपको देखकर कह सकता हूँ कि आप कोची से हैं। कॉफी लोगे? लंच टाइम में कॉफी पिलाओगे? या नहीं, मेरे घर पर। हाँ क्यों नहीं। बाय संध्या। ए, मेरा नाम संध्या नहीं है। I'm sorry. श्रीदेवी, शांति, श्वेता। तुम्हारा नंबर क्या है? क्यों, तुम मुझे कॉल करोगे? हाँ कभी कभी। ओ, 9845096771191। बाय। यार वो लड़कियाँ तेरे लायक नहीं है। हाय, देखो मेरी तरफ ही देख रहा है, हर रोज मेरा पीछा करता है। हाँ? ए, उन पर मेरी नजर है। वो लड़कियाँ तेरे लायक नहीं है। ये लड़की तेरे लायक नहीं है। ओके सुगन, कबाब में हड्डी आ गई है, मैं चलता हूँ। क्या यार? देख यार, वो लड़की मेरे लायक नहीं है ना। धरती माँ की कसम, तुझसे लड़कियों के बारे में राय नहीं मांगूंगा, तू मेरी सुंदरता से जलता है। ए, कितना समझदार है। चल अब रो मत और एक गाना सुन। पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? मैंने पूछा क्या? सुबह से 20 बार पूछ चुका है। इस वक्त कहाँ है? इंटरव्यू वाले हॉल में। कौन सा इंटरव्यू? नाम टीवी इंटरव्यू। नाम टीवी, हाँ। नमस्ते, मैं चंद्रशेखर, इस कंपनी का एमडी। ऑफिस में सब मुझे चंद्रू कहते हैं, पर मेरी वाइफ मुझे हे चंद्रया कह के इंसल्ट करती है। अच्छा अच्छा, वैसे आपकी ब्रांचेस कितनी हैं? चेन्नई और तमिलनाडु में कितने ब्रांचेस हैं याद नहीं, और कर्नाटक में वो भी याद नहीं, जितनी भी हैं ठीक ठाक ही चल रहे होंगे। रियली, वाओ, सो मेनी ब्रांचेस। ऐसे जता रही है जैसे मैं यहां हूं। आपके हिसाब से आपकी कंपनी के अपार सक्सेस के पीछे क्या मुख्य वजह है? पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। एक मिनट, सुबह जरा जरा नहीं, नो नो सर, मैं नहीं, मैं नहीं सर, मैं हूँ ना। जल्दी आओ, कुछ इम्पोर्टेंट वॉइस से कुछ सवाल जवाब करेंगे। या हेलो, आई एम सुगन, इस कंपनी की सक्सेस का कारण है इसके हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज। और दूसरा फैक्टर है विश्वास। विश्वास बहुत जरूरी चीज है, तुम्हें भी मुझ पर विश्वास होना चाहिए। तुम्हें पर विश्वास होना चाहिए, मेरा मतलब है हमें प्यार करना चाहिए अपने काम से। जो भी काम से प्यार करता है उसे सक्सेस जरूर मिलती है। मेरे कहने का मतलब है। ओके, थैंक यू। थोड़ी ही देर में मिस्टर वरदराजन यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारा अगला हेलो, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इवेंट कवर करो। शैल वी प्रोसीड? प्लीज सर।
ओह थैंक यू सो मच. हे लुक मी स्वीट आई लव यू. सर पार्टी में डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और एसपी भी आएंगे. वो भी दरअसल आपसे मिलना चाहते हैं. क्यों ठीक रहेगा ना सर. हरी हरी जरा इधर आओ और जब भी सेटअप करो. हां अभी करता हूं मैडम. और तुम यहां से जाओ. अच्छा हरी इंटरव्यू के लिए कोई सीनियर रिपोर्टर आया है ना. यस सर. प्रियंका हां 1 मिनट प्लीज. ओह यस थैंक यू. आ रही हूं मैडम. लिस्ट के हिसाब से तुम मुझसे सवाल पूछने वाले हो ना. यस सर बिल्कुल वैसे. चेंज मत करना वरना कंफ्यूज हो जाऊंगा. ओह नो नो श्योर सर. सुनो तुम्हें ये पेपर चाहिए. अरे नहीं हटाइए. इंटरव्यू के पहले वो लिस्ट मुझे दे देना एक बार देख लेता हूं. हां जी बिल्कुल अभी लाती हूं. एक घंटे में ये सब कुछ वाइंड अप कर देना. वो क्वेश्चन की लिस्ट कहां गई. पेपर कहां है. कौन सा दसवीं का या बारहवीं. अरे पता नहीं कहां. क्या ढूंढ रहे हो गोपी. टिफिन खो गया क्या. अरे सुगन मैं तुझे ही ढूंढ रहा था. उस टायर के पास ढूंढ रहे थे. ला वो क्वेश्चन पेपर दे. लगता है रात की अभी तक उतरी नहीं. कौन सा पेपर. वही जिससे वरद राजन का इंटरव्यू लेना था. अगर नहीं मिला तो प्रियंका की नौकरी जाएगी. कौन से क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हो. तू टेबल के पास खड़ा था ना. प्रियंका ने पेपर्स रखे तो तू नहीं उठाए ना. टेबल के पास. सुनो तुम्हें ये पेपर चाहिए. अरे नहीं नहीं पढ़ाई. चलो याद तो आया. अरे शर्माओ मत. जिस किसी को भी और चाहिए आकर ले लो. ठीक है सुगन काम छोड़कर खाने आवे. अंदर चलकर सब मैनेज करो. परेश जल्दी आ. इंटरव्यू स्टार्ट करें. टेबल पे तो रखा था. सर वो क्या है कि पेपर. सर एक्सक्यूज मी बस एक मिनट. सर टीवी पर तो एंकर हमेशा इंटरव्यू लेते हैं. अगर एक आम आदमी आपसे सवाल पूछेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा. एक्सक्यूज मी क्या चाहते हो तुम. सर मैं स्टाफ में. वो जो भी हो इंटरव्यू के बाद मिल लेना. जाओ यहाँ से. सर 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 ये हमेशा ऐसा ही करता है. इसे मजाक करने की बहुत आदत. नहीं सर लोग इनके बारे में गलत इमेज रखते हैं. लोगों को लगता है कि सवाल पहले से तय किए गए और हमारे जैसे यंगस्टर जो उन्हें रोल मॉडल मानते हैं सुनकर दुखी हो जाते हैं. रोल मॉडल सुनकर अच्छा लगा. क्या जानते हो मेरे बारे में. 1959 में कोयम्बटूर के गरीब किसान के घर में आपका जन्म हुआ. आपके पिता का नाम रामास्वामी और माँ का नाम लक्ष्मी. आपके दादाजी वरदराजन. स्टॉप इट. प्रियंका विल यू प्लीज एक्सक्यूज अस. कैमरा ऑन प्लीज. नाउ प्लीज कंटिन्यू. 1959 में कोयम्बटूर के गरीब किसान के घर में इनका जन्म हुआ. पिता का नाम रामास्वामी और माँ का नाम लक्ष्मी. इनके दादाजी वरदराजन मुदलियार के नाम पर ही इनका नाम वरदराजन रखा गया. इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता क्योंकि इनके पिताजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी और उस पैसे को आजादी के लिए लड़ रहे वीर सेनानियों को डोनेट कर दिया. उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बिकने का कोई अफसोस नहीं हुआ क्योंकि वो वरदराजन जी को ही अपनी असली पूंजी मानते थे. आज वरदराजन जी लाखों युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं. 1972 में वो अकेले ही चेन्नई आ गए और एक नया सफर शुरू किया. उन्हें यकीन था सिर्फ अपनी मेहनत. चेन्नई में आकर उन्होंने ऊंचा मकाम हासिल किया. 1972 में वरदराजन जब चेन्नई आए उन्होंने खाने या रहने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया. उन्होंने गारमेंट शॉप से अपना जीवन शुरू किया. चेन्नई में आकर उन्होंने कई बड़े मुकाम हासिल किए और इनकी रात दिन मेहनत की. इनकी मेहनत. सर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप जैसा. ओह नो 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 प्लीज पैर मत छुओ. आपका नाम इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में शुमार किया जाता है. आपको कैसा महसूस होता है सर. आई डोंट बिलीव इन नंबर 1 नंबर 2 लास्ट वगैरह वगैरह. सर एक आखिरी सवाल. आप पूछो. हाल ही में एक ग्रेनाइट स्कैम में आपका नाम जोड़ा गया था. माना जाता है कि आप भी उसमें इन्वॉल्व थे. देखिए मीडिया टीआरपी के लिए आजकल किसी पर भी आरोप लगा देती है लेकिन उसे प्रूव नहीं कर पाती. मैं उस ग्रेनाइट कंपनी का ओनर नहीं हूँ. वो कंपनी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं मालिक कैसे हुआ. खैर छोड़िए. थैंक यू. इट वाज अ वंडरफुल इंटरव्यू. थैंक यू वेरी मच. तुमने अपना नाम क्या बताया. सुगन. आई एम रियली सरप्राइज्ड. मेरे बारे में तुम इतना जानते हो जितना मैं भी नहीं जानता. सर जब भी मैं निराश होता हूँ आपके ऊपर लिखी हुई किताबें पढ़ लेता हूँ और उन्हें पढ़ते ही मुझमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है. आई रिस्पेक्ट यू सर. अब हमें निकलना चाहिए. रुको बेटा तुम यहाँ कहाँ रहते हो. सेक्टर 14 सर. एक बार आप चीफ गेस्ट बनकर मेरे स्कूल आए थे. सच में. जी सर. बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया. मेरे जी हाय. वेयर इज द मैरिज. चेन्नई में है सर. अगर मैं टाउन में रहा तो जरूर आऊंगा. थैंक यू. ओके नाइस मीटिंग यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.
बाय, थैंक्स। थैंक यू सर। आई सॉरी प्रियंका। क्या हुआ? तुम्हारे साथ जो भी सुगन ने किया। प्लीज परेश, मेरे सामने उसका नाम मत लो। अगर तुम्हारे और मेरे बीच की बात है तो तुम बोल सकते हो। मैंने उसका नाम अपनी लाइफ से परमानेंटली वाइप आउट कर दिया है। तुम्हारा भला चाहती हूँ और इसीलिए कह रही हो। तुम आज से उसके साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दो। ओ, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। आज फर्स्ट टाइम ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। ओ, क्या कहूँ, मैं तुम्हें यही बात बताने आया था कि वो लड़का तुम्हारे खानदान। बेटा, तुझे जितनी बुराई करनी है कर ले, इस पे कोई असर नहीं होने वाला। मैं तुम्हारी बुराई नहीं करूँ तो क्या करूँ? मैं अभी तो यही कह रहा हूँ तुझसे। मैं जानता हूँ कि ये क्यों नाराज है, कि मैंने सबके सामने इसकी इंसल्ट की, लेकिन इसने भी तो चेन्नई में मेरी बेइज्जती की थी, उसका क्या? फिर भी मैं इसके पीछे यहाँ तक क्यों आया? क्यों? लव। ट्रू लव। लेकिन ये बात ये नहीं समझेगी, बेकार में कोशिश मत कर, कुछ हासिल नहीं होगा। ओह नो, रिएक्शन बदल रहे। प्रियंका, वो सुगन, वो जो सुगन। यस बेबी। मुझे अकेले में तुमसे कुछ काम है। एनी टाइम फॉर यू हनी। अब क्या लोचा हो रहा है ना, देखाड़ू, चलो। जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना, रातों की नींद, दिन का चैन सब खो गया है। हर तरफ तुम ही नजर आते हो, न जाने ये क्या जादू है। आई लव यू सुगन। अगर तुम मुझसे प्यार करती भी हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं दिलो जान से किसी और को चाहता हूँ। चलो थोड़ी देर बाद आते हैं। उसमें ऐसी क्या खास बात है? क्या बताऊँ, वो समझदार है, जवान है, खूबसूरत है, क्या नहीं है उसमें। बस उसमें एक ही बुराई है। वो क्या? जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो वो छुप कर सुनती है। प्रियंका, रुको। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मेरे अच्छे दिन आएंगे। कल नहीं तो अबे कल परसों। अगर तुझे आज के बाद फालतू घूमते देखा ना, तो तेरे पगार के साथ साथ तेरी प्रोविडेंट फंड भी काट लूँगा, समझा? चल भागे से। तुम भी मेरे साथ वापस चलो ना, प्लीज। मैं भी आना चाहता हूँ। ओपनिंग अभी अभी खत्म हुई ना, कई छोटे छोटे काम पेंडिंग है। जैसे काम खत्म होगा मैं उड़ता हुआ तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। तुम्हें मिस करूंगी। एमडी तुम्हें याद कर रहे हैं। दिखाई नहीं देता, इस वक्त मैं बिजी हूँ। ठीक है, तुम ये जरूरी काम करते रहो, मेरे पास और भी निकल। बाय 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 बाय। तुम्हारे अरेंजमेंट से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ मैं। थैंक यू सर। नहीं नहीं नहीं, आज रात को पार्टी कहाँ रखी है? गेस्ट हाउस पर। ओ, तुम्हारे गेस्ट हाउस पर। हाँ जी हाँ। मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सर। हाँ हाँ चंद्रू जी? जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था उसका क्या नाम था? सुगन। उसे भी पार्टी में ले आना। जी बिल्कुल लाऊंगा सर। वेरी स्मार्ट बॉय। थैंक यू। ओके, शाम को मिलते हैं। ये सुगन बहुत ही स्मार्ट लड़का है ना, समहाउ आई लाइक हिम। मैंने कुछ सोचा उसके बारे में। मैं रोहिणी की शादी उससे करवाना चाहता हूँ। क्या क्या क्या? एक ही मुलाकात में आपने उसमें ऐसा क्या देखा जो उसे दामाद बनाने की सोच रहे हो? लोगों से क्या कहेंगे, हमारा वर्कर आपका दामाद है। जाए, मैं तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तुम्हारी राय नहीं मांगी। तुम्हारा स्टेटस ढंग का नहीं है, फिर भी मेरे साथ बैठे हो ना। अंकल मैं तो सिर्फ, तुम मेरी मुंह बोली बहन के बेटे हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना दामाद बनाया। मेरी जाती जिंदगी में कभी दखल मत देना। मैं तो बस better know your limits. I'm done. सठिया गया है बुड्ढा, राह चलते लड़के को दामाद बनाने चला है। एक बार पावर आ जाए तो इसे इसकी औकात दिखा दूंगा। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें ताना देने की उनकी आदत कभी नहीं जाएगी। कुछ आदतें मरने पर ही बदलती हैं। उम्मीद करो कि वो तुम्हारी अहमियत को समझ सकें। चेन्नई जाना है, मैं कार में वेट करता हूँ, आप बुड्ढे को पता करा जाओ। इस बुड्ढे का चेहरा देखकर मेरा खून खौलता है। सर आपने बुलाया? ये सब क्या है सुगन? तुम्हारी सिफारिश पर मैंने संभू को नौकरी पर रखा। कभी कहता है फादर बीमार है, कभी कहता है मदर बीमार है, और आज खुद बीमार हो गया। सर एक काम करते हैं। क्या? इसका अधूरा काम मैं पूरा कर लूंगा। ओके ठीक है। नहीं सर, मैं कर लूंगा। नहीं, तुम्हारे अपने काम होंगे, मैं हैंडल कर लूंगा। आज तो आप दीदी को बाहर ले जाने। चलता हूँ। सुनिए,
आज आप ड्राइव मत कीजिए, आप कंपनी की गाड़ी में जाइए, कार में ले आऊंगा। ठीक है, ध्यान से चलाना। चलता हूँ सर। ओके, कुरियर कर देना। मैं भी निकलता हूँ सर। ए सुगन सर, आज शाम को मैंने अपने गेस्ट हाउस पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर डुपर कॉकटेल पार्टी का अरेंजमेंट किया है, तुम्हें भी आना होगा। हाँ। मैं ड्रिंक नहीं करता सर। सिर्फ एक दिन, दो लास्ट पैक एंड एंजॉय। इनफैक्ट मिस्टर वरदराजन ने फोन पर तुम्हें स्पेशली इन्वाइट करने को कहा है। आज के जमाने में इतने बड़े इंसान के साथ कॉन्टेक्ट बनाना इम्पॉसिबल है। हाँ, डोंट मिस इट। कल्पेश, परेश कहाँ है? एमडी की बेटियां यहाँ आ रही है तो वो उन्हें लेने गया है। बड़ा चालू निकला कमीना। चल गया तो मेरी शादी करवा देगा प्लीज। हे गाइस, लगता है पार्टी बहुत एंजॉय कर रहे हो। गुड गुड। अरे भाई, तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? वेयर इज योर ड्रिंक? मैं ड्रिंक नहीं करता। व्हाट सर, वैसे भी कल बहुत काम करना है। क्या मुझे कोई काम नहीं है? इन्हें काम नहीं है? यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब बेरोजगार हैं क्या? हे चंद्रू, योर बॉयज आर इंसल्टिंग मी। नो, आई एम सॉरी सर, मैं आकर भी कुछ समझा दूं ना। ए कम ऑन सर, कल पेंडिंग काम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नो मोर टॉक्स। हे गार्ड्स, एक घंटे में इन्होंने पूरी बॉटल खाली नहीं की तो इन्हें शूट कर देना। सर, एक बॉटल पी के ही आपको शूट कर देगा? मतलब बकवास करता है ना, बहुत बातें कर रहे थे। हे, मेक टू लास्ट ड्रिंक्स, वेरी लास्ट। सर, आपसे कुछ पूछ रहा था, ये विजय कृष्ण पार्टी भी क्यों नहीं है? कल हम एक बहुत बड़ी डील साइन करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करने गया, इसीलिए नहीं आ पाया। इंडिया में स्कैम को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाना हो या करोड़ों का टेंडर पास करवाना हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज यहाँ का करप्शन। ब्लू वाला तू रख ले, चलेगा दीदी। ये कुछ ज्यादा ही पका रहा है, यहाँ से कल्टी हो लेते हैं। सुन रहा है? परेश, क्या कर रहा है? कितनी हसीन है ये, मेरी लाइफ में आ जाए तो सीन ही बदल जाए। चढ़ गई तुझे, चल निकलते। सही, टॉयलेट कहाँ है? जहाँ पहले था, घर ही होगा। कितना हैंडसम है। गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। क्या फालतू पार्टी थी, तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? फ्लर्ट करने के लिए एमडी की खूबसूरत लड़कियां ही मिली थी तुझे? चल किसी होटल में बैठ के बिरयानी खाते हैं, खाने के बाद सीधे घर चलेंगे, सुबह बहुत काम है। बिरयानी के साथ एक ड्रिंक मिल जाए तो मजा आएगा। चुप कर यार तू। देख, लेफ्ट साइड एक स्टॉल है, बिरयानी बिरयानी। रोक गाड़ी, रोक। ये है जयकांत, हमारे डायरेक्टर के खास दोस्त। आजकल फोकट है इसलिए हमारी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करने आ गए। मस्त मसालेदार बिरयानी चाहिए थी। चल निकल। कहाँ कहाँ से चले आते दोस्त? बिरयानी मिलेगी? बिरयानी नहीं है, इडली डोसा परोठा है। क्या बात है, गर्मा गर्म इडली खाते हैं, साथ में डोसा भी है। चलो, यहाँ बिरयानी कहाँ मिलेगी? मुझे क्या पता कहाँ मिलेगी, इडली डोसा दू क्या? नहीं चाहिए। पार्सल लेते। अंबुर जैसी जगह पे बिरयानी क्यों नहीं मिलेगी? कोई ना कोई होटल तो जरूर खुला होगा। तुझे सिर्फ बिरयानी चाहिए, इडली डोसा नहीं चलेगा क्या? एक दिन एडजस्ट कर ले, तेरा फिगर खराब नहीं होगा। आगल हो गया क्या? 11th स्टैंडर्ड में जब मैं बिरयानी लेकर आया था तो तू ड्रिंक्स लेकर आया था, याद है? हाँ। उस दिन से जब भी मैं ड्रिंक्स करता हूँ उसके बाद मैं बिरयानी ही खाता हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मुझे बिरयानी चाहिए, मतलब चाहिए, डन। भूख से जान निकल रही है, बिरयानी बिरयानी करके बच्चे की जान मत ले। मेरा शांत बैठ, कहने के बिरयानी मिल जाएगी। देख, मुझे इतना यकीन इसलिए है क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। बिना बिरयानी खाए हम आज चेन्नई नहीं जाएंगे। ओके। परेश, उधर देख। ओ, ओ, आ, 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 बिरयानी। लेता हूँ, लेता हूँ। तूने नोटिस किया क्या? तू जो भी चाहता है सब तुझे मिल जाता है।
और मैं जो चाहता हूँ वो भी तुझे मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस वक्त सही होना चाहिए। अच्छा, मेरी लाइफ में तू आया तब से मेरा बुरा वक्त खत्म नहीं होता। जरा सेंटी मत हो यार, थिंक पॉजिटिव। मैंने कहा था आज बिरयानी मिलेगी, मिल गई ना? हाँ। अब मैं कहता हूँ अब से तेरा अच्छा टाइम शुरू। ये देख शुरू हो गया। इतनी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं और ढाबे पर बिरयानी खाने आते हैं। परेश, सब वक्त वक्त की बात है। एम्बिशियस बनो लेकिन ओवर एम्बिशियस नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सही बोला है ना? जब तेरे पास आएंगे तो मेरी टांग क्यों उठाया? ये ले, वापस ले ले। झूठी टांग नहीं चाहिए। छोटी छोटी गोटी जैसी बूटी क्या लेकर आया? क्या लेकर आया साहब? जो बोला आधा पैसा काट लूंगा। पैसा तो पूरा देना पड़ेगा आपको। 420 सीटेड है? हां है ना साहब। इधर गाड़ी वाली भी कम नहीं है। ये बहुत हाई लेवल की लेडी है, हम तो लो क्लास वाले हैं। तू यू टर्न ले ले यार। अच्छा, अगर वो हाई लेवल की है तो अम्मी को लो लेवल की नहीं है। देखा नहीं क्या लुक्स दे रही थी? ए तने जोती थी कि मन्ने? अभी बताना पड़ेगा। हाँ? अरे कहाँ चली गई? कहीं वो भूत तो नहीं थी? शिट, अचानक कहाँ गायब हो गई? वो लेफ्ट गई होगी या राइट? चेन्नई, बैंगलोर कहाँ गई? ए परेश, उधर देख। लेकिन हमें तो लेफ्ट जाना है ना चेन्नई, वहाँ जाके फंस जाएंगे। अरे मर थोड़े ना जाएंगे, पूरी मौज मस्ती कर लेने में क्या हर्ज है? अरे तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ, ये सब तेरे लिए तो कर रहा हूँ मैं। ओके चले। कुछ प्रॉब्लम है? सर गाड़ी चलते चलते अचानक से रुक गई, क्या आप मैडम को होटल छोड़ देंगे? कोई और भी? सिर्फ मैडम है। ड्राइवर कार ठीक करवा कर होटल में। ओके मैडम। हाय। हाय। एक हेल्प करेंगे प्लीज इफ यू डोंट माइंड? पास में ही मेरा होटल है, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? मुझे तो चेन्नई जाना है, क्या बोलते हैं? खूबसूरत औरत को ना कहना, पाप लागे। ओके आइए चलते हैं। थैंक यू सो मच। परेश, चिड़िया सेट हो गई है, तू बस पिछली सीट पकड़, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ। थैंक यू सो मच। इट्स ऑलराइट। बसो पीछे बैठो। आपको आपको तकलीफ दे रही हूँ। आपको अकेले थोड़े छोड़ सकता हूँ। थैंक यू। बच गए। आप कितनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं। कभी इंपोर्टेड कार चलाई है आपने? अगर कभी मौका मिला तो उसे भी चला लूंगा, बस उसका मेंटेनेंस हाई होता है। मेंटेन करने की क्या जरूरत, सिर्फ मजे के लिए एक बार ऐसे ही चला लीजिए। आपने कभी लोकल कार ट्राई की है?
मौका ही नहीं मिला, लेकिन बहुत दिनों से मैं किसी लोकल कार में सवारी करना चाहती थी। वैसे मुझे ये कार भी बहुत अच्छी लगी। तो ड्राइव करना चाहोगे? वैसे तुम दोनों कार्स की बात कर रहे हो ना? नहीं, मुझे वो डाउट हुआ ना तो। तुम्हें कौन सी कार पसंद है? मुझे तो कॉन्टेसा पसंद है। ये कोई भी कार पसंद करे, चलानी तो मुझे ही पड़ती है, इसे ड्राइविंग नहीं आती। तुम दोनों को मेरी कसम है, कार्स की बात कर रहे हो ना? तो जेल आ गया। We you know, you two are so much fun. Pleasure is ours. Thank you. Sure. So, bye. 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 Oops. Sorry. Thank you. Thank you. Thank you. वो हमें देख रही है। So, I'll tell you what. अगर तुम मेरे साथ ऊपर आकर कॉफी पीना चाहोगे तो मैं मना नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करूंगा। नहीं, हमें चेन्नई के लिए निकलना। It's okay. Come on, Sugan. मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। We'll have some whiskey. It'll be so romantic. मैं तो ना। तुम्हारे पूछने के अंदाज से ही किक मिल गई। इतना ही काफी है। What's wrong with you? Let's have fun. अगर अभी भी नहीं आना चाहते हो, just forget it. Go. एक मिनट रुको। मैं अभी कार पार्क करके आया। हाँ, रुकना। कार कहीं भी पार्क कर दो। Yes. जैसे कमरे में जाएंगे झपट पड़ेंगे। फोकट में टाइम वेस्ट मत करना। मैं अपने गेस्ट हाउस में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम इस फर्टीचर होटल में क्यों आ गई? गाड़ी खराब हो गई थी। मैकेनिक बुलवा लेती, कोई बात नहीं। आओ, अब इस ब्लैक एंड व्हाइट जगह पर रात रंगीन नहीं करनी, जल्दी से मेरी जगह चलते हैं। यहाँ का बाथरूम कितना बड़ा है। ओ, चलो एक साथ शावर लेते हैं। अरे ये जाता क्यों नहीं है? पानी नल में वापस जाना है। क्या कर रहा है तू? पानी में दारू मिला रहा हूँ। क्या क्या हुआ? कौन आया? वरदराजन। वो यहाँ वेटर है क्या? हमारी तरह टिक टॉक करने आया है। सारी दुनिया उसको ऑटोमेटिक के साथ डांस करके चली जाएगी। पहले वरदराजन उसके साथ जुड़ जाएगा, फिर रिसेप्शनिस्ट, फिर सर्विस बॉय, फिर वेटर भी आएगा, फिर स्वीपर भी आएगा, दूध वाला भी आएगा, अखबार वाला भी आएगा, इस्त्री करने वाला बाबू भी आएगा, सब आएगा। उसके बाद हम दोनों पांडा बन के रात को इधर नाचेंगे, मुसाफ करेंगे। वैसे रात गुजरने के लिए ये जगह बुरी नहीं है। इधर पियेंगे, इधर ही सुसु करेंगे। How dare you? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के पास आने की? It's very bad. अब चले जाओ यहाँ से। परसेशन ही है, उसने मुझे इनवाइट किया। What? इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये भी तू पी जाएगा मेरे लिए। रख मेरे बाप, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, थोड़ा तो दे। परसो परेश, अरे कहाँ है यार?
देख जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो यही छोड़ के चला जाऊंगा। Hi, I'm Riaz Ahmed from Central Bureau of Investigation, Delhi. फरमाइए। मैं वरद राजन से ग्रेनाइट केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। प्लीज कॉल हिम। वो तो बाहर गए। ओह, कब लौटेंगे? दो दिनों के बाद। काम अर्जेंट है, फोन पे बात करा दीजिए। Hi, I am Sampath, Assistant Commissioner of Police. मैं वरद राजन जी और विजय का फैमिली फ्रेंड भी हूँ। ओह, ओके। कल वो एक फंक्शन अटेंड करने अंबूर गए थे। सुबह से उनका मोबाइल आउट ऑफ रीच बता रहा है। हमें उनकी काफी चिंता हो रही है। उनकी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो दिनकर। सर, खबर मिली है कि वरद राजन की कार कृष्णा नगर के पास एक रिसॉर्ट में खड़ी है। रिसॉर्ट में? मैं वहीं जा रहा हूँ सर। ठीक है, तुम वहाँ पहुँचो, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। ओके, थैंक यू सर। क्या बात है? उनकी कार कृष्णा नगर। एक मिनट, एक मिनट, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या वरद राजन मिसिंग है? हाँ। ओह, जस्ट अ सेकंड। हेलो। हाँ, क्या कहा उसने? उनकी कार उस रिजॉर्ट में खड़ी है, अभी तक कुछ और पता नहीं चला। पता करके फोन करता हूँ। जो भी होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, यू कैरी ऑन। मिस्टर संपत, ग्रेनाइट कंट्रोवर्सी, मिस्टर वरदराजन मिसिंग। ऐसे केस में लोग ज्यादातर हॉस्पिटल में मिलते हैं। मैं मजाक कर रहा था। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अंबूर जा रहे हो ना? चलो। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए। नाइट ड्यूटी पे कौन था? नाइट ड्यूटी पे सचिन रहता था। हाँ सर। किस किस के नाम पे रूम बुक हुआ था, कितने लोग यहाँ रुके थे, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। सीसीटीवी के इंचार्ज हो, आओ मेरे साथ। हाँ, 15 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
माया, परसो परसो परेश किधर है यार? परशुराम उठना यार। परसु परसु ए अकोल जल्दी उठ। परसु मेरे भाई जल्दी अकोल। परसु परसु अकोल उठ जा। आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं पीऊंगा। क्यों मुझे गोद में लिया? माया चली गई क्या? हमें यहां से बाहर निकल आना होगा। मेरा सिर चकरा रहा है। ये गंदा जल। कुछ छूना मत, निकल यहां से। रुक, मुंह धो के आता हूं। माया कितनी खूबसूरत थी ना, उसकी खूबसूरती का नशा भी दिमाग में चढ़ा है। और कौन सा ब्रांड था जो इतना चढ़ गया? अरे तुझे चोट लगी क्या? देख देख खून निकल रहा है। हाँ? इतना सारा खून कहाँ जाए? परेश, यहाँ रुकना सेफ नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? बाथरूम में गाने यहाँ पे? सवाल मत कर, चल। क्या हो क्या रहा है? तू बता तो सही, माया कहाँ है? और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हेलो इंस्पेक्टर। सर, यही है वो आदमी। क्या हुआ सर? परेश, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हूं ना तेरे साथ। अभी तो मौज कर ले। तुम में से सुगन कौन है? कान के नीचे तू तब बोलेगा। मैं हूं सर। तुम्हारी गैंग में कितने लोग हैं? हम दो ही हैं सर। ए, बता यहाँ कितने लोग थे? सर, यहाँ हम दोनों ही थे, लेकिन सर हमने कुछ नहीं किया। बता कितने लोग थे, कहाँ गए वो? गए नहीं सर, चली गई। क्या कहा, चली गई? हाँ। वरदराजन औरत के भेष में आया था क्या? वो यहाँ नहीं आया सर, माया नाम की एक लड़की हमें यहाँ लेकर आई थी। तो वरदराजन कहाँ है?
पता नहीं सर। पता नहीं साले, किसी भी सवाल का ठीक से जवाब पता नहीं है। सर मैं सच बोल रहा हूँ। रूम तेरे नाम पर बुक है, वरद राजन को ले जाते हुए सीसीटीवी की फुटेज भी, उसके बाद भी कहते हो तुम्हें नहीं पता। हम सच बोल रहे हैं सर। अबे तेरे सच की तो। ये सर, आप संपत सर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमने दो सस्पेक्ट्स पकड़ लिए, मैं इनका मुंह खुलवाता हूँ। हाँ बोलो दिनकर, रिजॉर्ट पहुँच गए? मैं रिजॉर्ट में ही हूँ सर। कुछ पता चला? कल रात को वरद राजन यहाँ आए थे। रूम उनके नाम से बुक है क्या? नहीं, सुगन के नाम से बुक है सर, और उनके यहाँ आने की वजह अभी तक पता नहीं है सर। सस्पेक्ट हमारे सामने है सर, एक का नाम सुगन है और दूसरे का नाम परसू। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि सुगन ही वरद राजन को लेकर कहीं गया है। काफी देर से पूछताछ कर रहे हैं, कुछ बताने को तैयार नहीं है। ये कोई मामूली केस नहीं है। जानते हो कौन मिसिंग है? वरद राजन। जी हाँ सर। मुझे सच जानना है, जो करना हो करो। ठीक है सर। जरूरत पड़े तो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करो, हर छोटी से छोटी चीज हमारे काम आ सकती है। एक भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। किसी भी हालत में वरद राजन को ढूंढना होगा, सच उगलवा उनसे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है संपत, सब ठीक तो है ना? दो सस्पेक्ट पकड़े गए हैं, विल सी। ओह ग्रेट। कुछ पता नहीं है सर। तुम्हारे नाम पर बुक है, वरद राजन को ले जाते हुए सीसीटीवी की फुटेज भी है, फिर भी कहता तेरे को नहीं पता। बोल सर। नहीं सर। बोल। आप हमसे पूछने वाले कौन होते हैं सर? इतने सालों की नौकरी में आज तक मुझसे इस तरीके का सवाल किसी ने नहीं किया। जान ले लूंगा तेरी। शांति से बैठकर बात कर लेते ना, पुलिस को मत मारो। जल्दी से रस्सी खोल, इस पर हाथ मत उठाओ। अबे बहस मत कर, जल्दी रस्सी खोल। ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मेरे बाप, प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, रस्सी खोल। पुलिस हमारा एनकाउंटर कर देगी। अगर नहीं भागे तो एनकाउंटर कर देंगे। पुलिस ने हाथ उठाया। सुगन उठ। सुगन तू ठीक है ना? ओके ओके। पहले मेरी रस्सी खोला। तूने कितने पुलिस वालों को मारा, वो हर जगह तुझे ढूंढेंगे। जी सर। कितने आदमी थे? हम तीन लोग थे सर। इधर भी पुलिस है, उधर भी पुलिस है, कहाँ जाए? अटक गया क्या? कितनी गंदगी है, मैं अंदर से चेक करता हूँ। साफ करो, साफ करो। रुक बे। तू चला।
को किसी झूठे केस में फंसा के जेल में डाल के चक्की पिसवाएंगे हम दोनों। ऑलरेडी हमें फंसा चुके हैं, मुंह बंद रख। अब इस खेत में कहां जा रहा है? गाड़ी रोक, हाथ रख। मैं कहता हूं गाड़ी रोक, हाथ रख। अरे ब्रेक मार दे भाई। ठीक है, निकल निकल बाहर। आ जा आ जा, सरेंडर करते हैं। मेरा वो मतलब नहीं है। तो फिर हम खुद गए थे उस रूम में? नहीं, उसने हमें बुलाया था। कहां है वो? पता नहीं। ये सब एक साजिश है। पहले हमारे नाम पे रूम बुक होता है, फिर माया गायब हो जाती है। अब कह रहे हैं कि वरदराजन को मैंने कहीं छुपाया है। वरदराजन और हमारे बीच में क्या कनेक्शन है? उसके बारे में हमसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इतनी कम हाइट का पुलिस वाला देखा है कभी? नहीं। जरूर वो नकली होगा। ये सब एक साजिश है, सब मेरी गलती है। मेरे साथ ही होना था। तुम्हें पुलिस को नहीं मारना चाहिए था। मारा पप्पा बोले पुलिस अपना दोस्त होय छे। वो क्या? दिखने में टाई लग रही है। पूरा करो। शिट, ये तो वरदराजन है। इसको ये क्या हो गया? इस डिक्की में कैसे आया? इसके शर्ट पर खून है। सर सर, ये तो मर चुका है। तूने मार दिया? नहीं, मैंने नहीं मारा। हमारा खेल खत्म हो गया। नहीं, हम बर्बाद हो गए। तूने इसे मार दिया, तूने नशे में मार दिया। सच में क्या मर गया? कुछ पता चला? नहीं सर। बोलो कहाँ है? लगता है प्लान बना कर आए थे। वरदराजन आज तक उस रिजॉर्ट में नहीं रुके। हाँ। अपने गेस्ट हाउस में रुकते थे सर। उन्हें इसी कमरे में रखा गया था। ये सब कैसे और क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता। ये रूम सुगंध के नाम से बुक था। बेडशीट के फोटोग्राफ निकालिए। रात भर वो यही थे। इस ग्लास में फिंगरप्रिंट्स है। वरदराजन और उन दोनों के बीच में हाथापाई हुई। ग्लास को संभाल कर रखिए। कमरे में बुलेट और खून के निशान पाए गए। बुलेट का भाग है। मैंने सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं और कंफर्म है वरदराजन का खून सुगन और परसू ने किया है। वेट अ मिनट, मुझे एक डाउट है। यहाँ सिर्फ एक ही आदमी वापस क्यों आया? उनमें से एक नशे की हालत में होगा, दूसरा उसे बचाने आया और हमें मार के भाग निकला। ओ, तुम लोगों को और कोई डिटेल मिली है क्या? उनमें से एक का नाम सुगन है और दूसरे का परसू। दोनों चेन्नई में रहते हैं। वो दोनों वरदराजन के ट्रैक्टर कंपनी के शोरूम में एम्प्लॉइज हैं। कल तो अंबूर वसावी में उनके नए शोरूम का उद्घाटन था। यस यस सर। सर, उन दोनों में से वरदराजन को ले जाने वाला एक किडनैपर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका है। सीसीटीवी रूम कहाँ है? ए, जरा फ्रीज करो। कैमरा नंबर 1 को रिवाइंड करो। हाँ, यहाँ फ्रीज करो। मैं इस लड़के को जानता हूँ। ये उसी शोरूम में काम करता है और वरदराजन उसी शोरूम के ओपनिंग में आए थे। Are you sure? Very sure about it. Well, okay. इन सारी वीडियोस की एक कॉपी मुझे भेज। Okay, sir. सर, मुझे अच्छी तरह याद है, कल सुबह ही सुगन ने मिस्टर वरदराजन का इंटरव्यू लिया था। उसे वरदराजन की डिटेल में जानकारी थी और वो उनसे बहुत ही फ्रेंडली वे में बात कर रहा था। एक काम और करो। हाँ। उन दोनों के बारे में सारी जानकारी हासिल करो। ओके। पूरे अंबूर में सिक्योरिटी बढ़ा दो। हाँ। उनकी कार और उनके मोबाइल को ट्रेस करो। श्योर सर। वो दोनों बचकर जाने नहीं चाहिए। ठीक है। यस सर। यस सर। राइट सर। एक्सक्यूज मी। हाय रियाज, कैसे हो? दिल्ली में हो? इस वक्त अंबूर में हूँ। अंबूर में? हाँ, एक केस के लिए आया था। मिस्टर वरदराजन किडनैप हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? मामला कुछ ज्यादा सीरियस हो गया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो। उन्हें किडनैप करने वाले दोनों लड़कों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन वो भाग निकले। तुम इन्वेस्टिगेट करोगे? हो जाएगा। वैसे तुम इस केस में क्या कर रहे हो? ग्रेनाइट माइनिंग स्कैम के मेन अक्यूज्ड वरदराजन को अरेस्ट करने आया था, लेकिन केस ने कुछ अलग ही मोड ले लिया। इंक्वायरी पूरी होने पर मुझे फोन करोगे? नहीं, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ओके रियाज। उस रात क्या हुआ था? हम बिरयानी शॉप गए थे। हाँ। वहाँ एक लड़की दिखाई दी। हमने उसे फॉलो किया। उसके बाद उसके रूम पे गए। उसने हमें इनवाइट किया। हाँ हाँ, याद आया। हमने वहाँ ड्रिंक्स ली, गाना भी गाया। उसके बाद किसी ने दरवाजा में जाकर छुप गए। वहां हमने और ड्रिंक्स ली। हाँ, हाँ। और उसके बाद? हाँ, तू याद कर, याद कर। सही जा रहा है। फिर क्या हुआ? बोल। याद कर, याद करने की कोशिश। कुछ याद नहीं आ रहा। पहले हम बिरयानी खाने जाते हैं, वहां एक लड़की दिखती है। हाँ, फिर किसी ने हमारे सर पे हथौड़ा मारा, फिर हम दोनों सो गए थे। ए, रिपीट टेलीकास्ट बहुत हो गया। आगे क्या हुआ था ये याद करना। ओके ओके सुगन, मैं बताता हूँ।
वहाँ क्या हुआ था? तू नशे में था और माया के लिए वरदराजन को मार दिया। मेरी और मेरी रहेगी। गुड बाय राजन। अबे मैं क्यों उसे मारूंगा? नहीं नहीं ठीक है, तूने नहीं, मैंने उसे मारा। कौन कहता है कि कॉमेडियन विलन को नहीं मार सकता? गेम ओवर। हाँ ये क्या बोल रहा है? नहीं यार, ना तूने किया ना मैंने किया, क्या हमने रूम बुक किया? नहीं किया। ये उस लड़की का काम। बुड्ढे के लिए मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं करूंगा। अरे सुनना, सैम का फोन है। इसका फोन कहाँ से आ गया? शायद इससे कुछ पता चले। उठा। हेलो। हाँ हेलो, इस वक्त मैं अंबुर में हूँ। जो स्पेयर पार्ट्स मंगाए थे वो किसको डिलीवर करना है? ए एमडी का है। स्पेयर पार्ट्स को गोली मार, मेरी बात ध्यान से सुन। उससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? ए, एक मिनट रुका। एमडी का है? अंदर है, अंदर। हाँ बोल तू। एक बात बता, अगर एक बॉडी तेरे हाथ लग जाए तो तू उसका क्या करेगा? क्या कहा, बॉडी? कार की बॉडी या ट्रैक्टर की बॉडी? अगर कार चोरी की है तो उसके स्पेयर पार्ट्स अलग करके चोर बाजार में बेच डालेंगे। सुन, डेड बॉडी है। किसकी बॉडी है? सवाल मत पूछ, अब क्या करें ये बता। किसी पहाड़ से नीचे फेंक दो, ऐसा लगना चाहिए कि सुसाइड है। कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। मस्त है ना आइडिया? थैंक यू मेरे भाई। कोई और टेंशन हो तो फोन करना। सुगन तेरा दोस्त है क्या? क्लोज फ्रेंड, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड। एनी प्रॉब्लम? हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता कि वरदराजन मर चुका है। अगर हम बॉडी को पहाड़ से फेंक दें तो बॉडी मिलने पर लोग यही समझेंगे कि सुसाइड है। हाँ, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? हम सैम के आइडिया पर ही काम करते हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा तो कह देंगे कि वरदराजन हमारे साथ आया था पर बाद में बिना बताए कहीं चला गया। पुलिस को भी हम यही स्टोरी सुनाएंगे, समझ गए? हाँ, लेकिन बॉडी को पहाड़ से फेंकते वक्त अगर किसी ने देख लिया और पुलिस कंप्लेन कर दी, पुलिस ने हमें पकड़ लिया और हमें फांसी मिल गई तो? मेरे दोस्त, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। तो फिर अब क्या करें? क्या करें? एक आइडिया आया दिमाग। एक बड़े से गड्ढे में लाश को दफना देते हैं, लेकिन अगर पुलिस कुत्ते को लेकर आई और उस कुत्ते ने वो बॉडी ढूंढ ली फिर क्या होगा बताए? हमारा हाल भी वही होगा जो गली के कुत्तों का होता है। बाय बाय सिस्टर, जीजा जी, बाय बाय। अगर कहो तो बॉडी को जला देते हैं। हम बॉडी को जलाएंगे। अगर हड्डियों का डीएनए टेस्ट हुआ और उन्हें पता चल गया कि ये बॉडी वरदराजन की है, मारी सुहागराते नदी थी, सब इसी वजह से हुआ। तू ही बता क्या करें? चल सरेंडर हो जाते हैं। अरे हम चाहे जो भी कर ले फांसी पर चढ़ना तय है। मेरी बहन की शादी होनी बाकी है। ओह सुगन, तू चिंता मत कर, मुंह छूने। तूने जो खून किया ना उसका इल्जाम मैं खुद पे ले लूंगा और तुझे बचा लूंगा। प्लीज प्लीज, मैं साहब को नहीं जानता। कौन है ये? मैंने इसको कभी नहीं देखा। एंबुलेंस का सारा मैं मर गया। उधर आ, डॉक्टर की गाड़ी से। चल इसका हाथ पकड़, ठीक से। हां, चीनू का फोन। हां, कहां हो तुम लोग? पुलिस तुम्हारा फोन टैप कर रही है, शायद तुम्हें अब तक ट्रेस कर चुकी होगी। क्या कहा तुमने? क्या परसों पुलिस चला इन्हीं दोनों लड़कों का हाथ है। इस किडनैपिंग ने पुलिस डिपार्टमेंट के सभी दावों को गलत साबित कर दिया है।
मैं सिर्फ यहाँ तक की कहानी जानता हूँ, इसके बाद क्या होगा मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आप सुगन के पिता है? नहीं, हाँ। घर पे? नहीं, सुगन यहाँ पर नहीं रहता, उसका हम सबसे कोई रिश्ता नहीं है। कैसी बातें कर रही, तुम्हारा भाई है। पापा अब बीच में मत पड़िए, उसने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है, पहली बार पुलिस यहाँ आई है। बेटी हमारे सुगन ऐसे लो, 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 लो। ये आपका फैमिली ड्रामा, मुझे मत दिखाओ। कुलराज अंदर जाकर चेक करो। आप सुगन की बहन है ना, अपना नंबर दीजिए। क्यों मगर? किस लिए? नंबर बताओ। 9841 9841 9856। सुगन का फोन आया तो उसे फौरन सरेंडर करने को बोलना, हाँ? उसे बचाने की या छुपाने की कोशिश मत करना, पुलिस डिपार्टमेंट ने उसका एनकाउंटर करने का ऑर्डर इशू किया है। क्या? तो कोई मिला क्या? कोई नहीं है सर। अब मैटर की संजीदगी को समझ गए होंगे। चलो तुमने सुना पुलिस ने क्या कहा? हाँ सब सुन लिया। पता है पहली बार तुम्हारी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो इसमें कौन सी नई बात है, तू हमेशा झूठ बोलती है। मैं सीरियस हूँ और तुझे मजाक सोच रहा। चल ना। वो एनकाउंटर करने की बात कर रहा था। अरे तुझे डरा रहा था, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू सिर्फ शादी की तैयारियों पर ध्यान दे और पापा का ख्याल रख। तेरी शादी से पहले तेरा भाई नहीं मरेगा। ओके बाय। गाड़ी की बैंड बज गई है, अगर तेरे जीजू ने देखा ना तो इसकी तरह हम दोनों की भी बैंड बजा देंगे। बकवास बंद कर, हरि ने कहाँ बुलाया? Please excuse me, sir. Yeah. क्या बात कर सकते हैं रियाज? हाँ बोलो। सुगन अभी भी अपने घर वालों के कांटेक्ट में है। मैंने उसका फोन टैप करने के ऑर्डर्स दे दिए और उसके घर के पास एक बंदा तैनात किया। रिसोर्ट से जो एविडेंस मिले हैं और एक बिरयानी शॉप के ओनर के बयान से पता चला है कि वो दोनों माया नाम की लड़की का पीछा कर रहे थे, और एक खास बात ये भी पता चली है कि वरदराजन का माया के साथ अफेयर था। क्या नाम बताया आपको? माया। वरदराजन उसी लड़की से मिलने गए थे। अगर वो लड़की हाथ लग जाए तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब तो उस लड़की को ढूंढ ही रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो लेट मी नो। ओके ठीक है, बाय बाय। सॉरी। अच्छा हुआ आते हुए पुलिस की नजर हम पर नहीं पड़ी। सिम कार्ड ला। ये ले सिम कार्ड। शहर में चर्चा है कि तुमने उसे किडनैप किया है, लेकिन तुम तो उसकी डेड बॉडी लेकर घूम रहे हो, मरोगे तुम दोनों। सिर्फ हम दोनों नहीं, सब। क्या मतलब? वैसे ही परेशान हूँ और डरा रहा है। ए सुगन, मैंने उस लड़की का फोटो सारे दोस्तों को भेज दिया है, जरा चेक कर, चेक करना। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए। चलो जाओ। चलो चल, मैं निकल रहा हूँ। अरे गोली का चौका देखा, क्या मारा। बहुत बढ़िया यार, बहुत हाँ? अपना फोन किसी झाड़ी में फेंक दे। हाँ ओके। अरे ये सिम कब तक एक्टिवेट होगा? कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अब क्या करना है? मुझे प्रियंका से मिलना है। सुगन, प्रियंका को फोन लगा, उसे बाहर बुला। वो फोन नहीं उठा रही। देख अंदर जाना बहुत ही रिस्की है, यहीं इंतजार करते हैं। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, हमारे प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रियंका से इसी वक्त मिलना होगा। यहाँ तो सभी लोग कॉस्ट्यूम में हैं, लगता है किसी प्रोग्राम के लिए आए हैं। परसु मेरे साथ चल। क्यों यार, वो आ जाएगी ना, मरने जाना है क्या? मल्लिका बकरा मैं नहीं बनूंगा। क्या तू तो मेरा पार्टनर इन क्राइम नहीं है? ले बन गया बकरा, चढ़ा दे बलि। ये टाइगर का ड्रेस तू भी तो पहन सकता था, मुझे क्यों पहना है? उजली हो रही है इसमें। टाइगर बनने के लिए जिगर चाहिए। कमर हासन के बाद कोई रोल कर सकता है तो वो तुम हो। क्या कह रहा है? एकदम सच। रियाज, ग्रेनाइट माइनिंग केस का इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं, आप बेकार ही अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। चाहो तो मेरी वाइफ से बात कर सकते हो, पर इस वक्त वो अपने सिस्टर के साथ हॉस्पिटल में है, इसलिए नहीं मिल सकते। रही बात अंकल को ढूंढने की, तो वो हम ढूंढ लेंगे, तुम इस चक्कर से दूर ही रहे। अरे सामने पुलिस है। मेरी बात सुन, इस वक्त तू टाइगर के गेटअप में है, तू टाइगर की एक्टिंग कर, नहीं तो उनको शक हो जाएगा। यस, वेरी गुड, कम ऑन टाइगर। मिस्टर विजय कृष्णन, माइंड योर वर्ड्स। आई मीन, डोंट गिव ऑर्डर्स टू सीबीआई पीपल, हम अपना काम जानते हैं। वैसे इस केस में आप भी एक सस्पेक्ट हैं, आप भी अरेस्ट हो सकते हैं, इसलिए हमसे कोऑपरेट करने में ही आपकी भलाई है।
मिस्टर रियाज, ये कॉपरेट करने से मना नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी पोजीशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर वरदराजन के गायब होने के बाद ये बहुत टेंशन में है और इस वक्त इनकी बीवी हॉस्पिटल में है और उनसे पूछताछ नहीं कर सकते। डॉक्टरों ने उन्हें बातचीत करने से मना किया है। इनके हालात समझने की कोशिश कीजिए। कैमरा रख दिया, वीडियो टेप्स रख दिए, लेंस भी रख दी, सब कुछ रेडी। हे, तुम अब तक रेडी नहीं हुई? लेबर्स डे पर स्पेशल प्रोग्राम है। प्रियंका, सुगन को तुम जानती हो ना, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। गोपी, मैं जानती हूँ, ये सब उसने नहीं किया है। जानती हो ना, तो फिर इतनी दुखी क्यों हो? चलो प्रोग्राम की तैयारी करो। सॉरी गोपी, आज तुम जीडी को ले जाओ, मैं नहीं कर पाऊंगी। सब हो चुका है, अचानक से मना कैसे कर सकती हो? ऑलरेडी इस प्रोग्राम के लिए टीवी पर एड्स आ चुके हैं, अगर मना करोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए रेडी हो जाओ प्रियंका प्लीज। ओके गोपी, तुम कहते हो तो मैं चलूंगी। कहीं वो आज छुट्टी पर तो नहीं है? फिलहाल तो मेरी छुट्टी हो गई है, बहुत थक गया हूँ। जादूगर गोगा, हाय। मैं भी आया। गोगा नहीं, सुगन हूँ। सुगन, I missed you baby। हाथ मत लगाओ मुझे, पहले किडनैप किया अब बेफिक्र होकर घूम रहे हो? नहीं प्रियंका, मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहा है टाइगर की तरह डांस कर? कितना बड़ा इल्जाम लगाया तुम पर, तुम ना? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। कम ऑन टाइगर। अब ये बता, वरदराजन कार के डिक्की में? मेरी बात सुनो प्रियंका, एक्चुअली उस दिन हम लोग बिरयानी खाने गए थे, कम ऑन टाइगर, उसके बाद हम ये डांस करता रहेगा तो कोई शक नहीं करेगा। कम ऑन टाइगर, सीधे सीधे बताओ यार क्या चल रहा है? ए, कूदना बंद कर, जरा से पकड़ना। अरे उस दिन रात को, हाँ क्या मजेदार पीस है यार। ए, लेग पीस तो मैंने ऑर्डर की थी, तुझे कैसे दे दी? ए बेटा, छोटा बच्चा ही रहने वाला है, इसीलिए तेरे हाथ कुछ नहीं लगता। इस गाड़ी में देख, पीछे वाली सीट पे। हाय बेबी, फंसे तो फंसे, मैं इसकी बात कर रहा था, देख लड़की कैसे पढ़ा रहे। अज्जा, बाप रे, देखो तो। मुझे ये लोकल कार बहुत पसंद है। तो फिर इस कार की सवारी करो। तुम दोनों कार की बात कर रहे हो ना? थोड़ा डाउट था इसलिए पूछ लिया। माफ किया। बाप रे, देखो तो। लड़की, तुझे लेग पीस लगती है? मैं शुरू से ही जानती थी कि एक दिन ये लोफर जरूर तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डालेगा, और देखो को दिन आ गया ना। तुम लोग सीरियस होना कब सीखोगे? पुलिस सोच रही है कि वरदराजन को किडनैप तुमने किया है, लेकिन तुम तो उसकी डेड बॉडी लेकर घूम रहे हो। डेड बॉडी के साथ पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। छी, ये बिल्कुल सही कह रहा है, अगर तू डेड बॉडी के साथ पकड़ा गया तो हम सब भी फंस जाएंगे। तू आखिर सीरियस क्यों नहीं होता यार? तू सही कह रहा है गोपी, आई एम रियली सीरियस, वरना मैं तुम लोगों की मदद लेने यहाँ क्यों आता? हमने मर्डर नहीं किया, ये साबित करने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा। वरदराजन मर चुका है, ये बात हम जानते हैं, माया जानती है, या फिर वो कातिल जानता है। उस कातिल को ढूंढना मुश्किल है, और उसे सामने आने पर मजबूर कर सकते हैं। उसके लिए वरदराजन को जिंदा होना होगा, और ये काम तुम कर सकती हो। एक मरा हुआ इंसान फिर से कैसे जिंदा हो सकता है? कुछ भी कहते हो, मैं जिंदा। अरे प्रिया, बेबी आर यू ओके? वरदराजन की किडनैपिंग केस में एक नया खुलासा हुआ है। एक तरफ कहा जा रहा है कि सुगन और परेश, इन दोनों लड़कों ने ये किडनैपिंग की है, वहीं कुछ लोग मान रहे हैं कि वरदराजन ग्रेनाइट स्कैम से बचने के लिए यूएस चले गए हैं, ताकि वो पब्लिक की सिंपैथी हासिल कर सके। लेकिन हाल ही में रिलीज वीडियो क्लिप से साबित हुआ है कि वरदराजन और इन दो लड़कों का एक आतंकवादी संगठन ने अपहरण किया है। वरदराजन केस अब एक नया मोड़ लेना जा रहा है, पुलिस इस बारे में कोई भी ताज़ा जानकारी नहीं। ये कैसे बच गया? अब ये कहा जा रहा है कि ये सारी अफवाहें पुलिस डिपार्टमेंट और वरदराजन के दुश्मन। इस सनसनी केस वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने कम से कम वरदराजन की किडनैप होने की बात की पुष्टि की है, और आगे कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अब देखना ये है कि पुलिस कितनी जल्दी गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुँचाती है। टेररिस्ट संगठन ने अपनी कोई मांग नहीं रखी है, पुलिस उन वीडियो क्लिपिंग की मदद से उस जगह को तलाशने की कोशिश कर रही है जहां वरदराजन को बंधक बनाकर रखा गया है। संपत, न्यूज देखी? बुड्ढा तो बच गया, तुमने तो कुछ और ही कहा था। पहले
पहले उन्होंने कहा कि वो वरदराजन को नहीं जानते और अब उन्हीं को वरदराजन के साथ ही किडनैप किया गया, ये कैसे हो सकता है? देयर इज समथिंग रॉन्ग। और पता करो कि चैनल को इन्फॉर्मेशन किसने दी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? चैनल की एमडी तुम हो या मैं? तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम्स हुई है जानती हो? सुपीरियर्स का कितना प्रेशर है मुझ पर पता है। इतना सेंसिटिव वीडियो बिना परमिशन के टेलीकास्ट कैसे कर दिया तुमने? सर, अगर ये कोई एक्सक्लूसिव वीडियो होता तो मैं आपसे परमिशन जरूर लेती, लेकिन बाकी चैनल्स को ये न्यूज मिल चुकी थी, उनके पास इसका वीडियो था। और ज्यादा व्यूवरशिप तो सर इस बात पर डिपेंड करती है ना कि वो न्यूज पहले कौन ब्रेक करता है, और उसी चैनल को सबसे ज्यादा टीआरपी भी मिलती है। टीआरपी लाने के लिए कोई कुछ भी टेलीकास्ट करेगा क्या? इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली पता नहीं लगाएगा? टीआरपी मेरे अंकल से बढ़कर है क्या? वैसे वो वीडियो चैनल तक पहुँचा कैसे? कुरियर से आया था। जरा वो कुरियर का कवर ले आओ। इंक्वायरी करते वक्त उनकी एक नाजायज बेटी के बारे में भी पता चला। किसी लव अफेयर के चक्कर में वो घर से भाग गई थी, लेकिन उसे ढूंढ लिया गया। इसका उसके से क्या कनेक्शन? कुछ नहीं, लेकिन एक ख्याल आया कि उस लड़के का इस केस से कोई कनेक्शन हो सकता है। लड़के का? उसका कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। देखिए, शादी की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन हम ये शादी कैंसिल करना चाहते हैं। समधी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? माँ, ये अचानक शादी तोड़ने की बात कहाँ से? तुम चुप रहो। इनके बेटे ने क्या किया है दिन भर टीवी में दिखाते रहते हैं। ऐसे परिवार में रिश्ता जोड़कर हमें बदनामी नहीं करवानी है। कल पुलिस हमारे घर भी पूछताछ करने आई थी। देखिए बहन जी, मेरे सुगर ने ऐसा कोई काम नहीं किया। नहीं भी किया पर बदनाम तो हो गया ना। मुजरिम की बहन से हमें रिश्ता नहीं जोड़ना। भैया के बारे में आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए। आप लोग बस शांत हो जाइए। हम दोनों हर हाल में शादी करने वाले हैं, चाहे आप इसके लिए राजी हो या ना हो। असली मुद्दा क्या है? सुगन की बात है ना, तो आप लोगों से ज्यादा मैं उसे जानता हूँ। ससुर जी, शादी उसी तारीख को होगी और यही मेरी दुल्हन बनेगी। सुगन को भी बता देना कि हमारी शादी उसी तारीख को होगी। अब चलिए। चलो जी। जी तेरे बेटा। हे भगवान। हे, ये सब क्या हो रहा है? वरदराजन और वो दोनों लड़के किडनैप हो गए हैं। टेंशन ना लो। अच्छा, ओके, दिस इज क्रेजी, आई नीड मोर मनी। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, पर तेरे को ये शहर छोड़ना पड़ेगा। कहाँ जाएगी तू? बैंगलोर, वो जगह सेफ है, आज ही निकल जाऊंगी। टिकट्स बुक कर दो। वरदराजन जिंदा है, लेकिन उसका कातिल अभी तक सामने नहीं आया, ना ही उसने प्रियंका से कांटेक्ट किया। वक्त हमारे हाथ से निकला जा रहा है। सुगन, सुन रहा है क्या? किरण ने माया को ढूंढ लिया है। हां, किसी से बात करना। हां, कहां देखा? एग्मोर रेलवे स्टेशन पर। पक्का हो ये? हां, ये वही है, किसी ट्रेन का वेट कर रही है। उसे मिस मत करना, उसका पीछा करता रहे, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। भाई, अगर तू ये नहीं भी कहता तब भी मैं उसका पीछा करता। क्या हॉट पटाखा डूड। क्या हुआ यार? माया मिल गई है। बस निकल रही हूँ।
कौन हूँ? मुझे नहीं पहचानती? सच सच बता, तुझे किसने भेजा था? वरदराजन को किसने मारा? उस रात को क्या हुआ था? जल्दी बता। बताती हूँ, छोड़ो मुझे। उन्होंने तुम्हें लाने के लिए कहा। फिर क्या हुआ? और तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिक्स करने के लिए कहा। क्या मिलाया था? कोई टैबलेट थी। किसने कहा था? एक पुलिस वाला। वरदराजन वहां कैसे पहुंचा? सच बता, जल्दी बता। उसी ने उसे वहां बुलाया। कौन है वो? कैसा दिखता है? क्या नाम है उसका? जल्दी बता। छोड़ो मुझे। क्या चल रहा है इधर? वरदराजन को तुमने किडनैप किया ना? क्या हुआ? वो बदतमीजी कर रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। थैंक यू मैडम। इट्स ओके। वही छोड़ दिया है जहाँ वो लोग डांस कर रहे हैं। सही टाइम पर आकर यू सेव। हाँ, थैंक यू वंस अगेन। आपने यहाँ पे तो पता नहीं क्या हो जाता। देख के चलिए, बच गया नहीं तो मैं गिर जाता। हिंदों का देश हो गया हमारा। माया को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। उस लेडी ने एक सीनियर ऑफिसर के कहने पर ये सब कुछ किया। मारने वाली खुद भी एक लेडी इंस्पेक्टर थी, यानी कोई पुलिस वाला भी इसमें इन्वॉल्व है। उस मोबाइल से कुछ पता चला? दो मिनट दे, चेक कर रहा हूँ। कोई बताएगा कि पुलिस उसे क्यों मारना चाहेगी? कोई ये पीना चाहेगा? ए, वापस रख दे। ओह, ओके। शायद संपत्ति वो पुलिस वाला हो। अब संपत्ति भी तो पुलिस डिपार्टमेंट में है। वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी है। और उस दिन भी वो विजय कृष्णा के साथ था। ये क्या बोल रही हो तुम? इससे उसको क्या फायदा मिलेगा? फायदा उसको नहीं, विजय कृष्णा को होगा। वरदराजन की मौत के बाद विजय कृष्णा उसकी जगह लेगा। या तो विजय कृष्णा के कहने पर संपत्ति ने किया, या फिर संपत्ति की मदद से विजय कृष्णा ने खुद ये काम किया। लेकिन वो लोग हमें क्यों फंसाना चाहेंगे? सिंपल सी बात, मर्डर करने के बाद उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था जो हम दोनों बने। सुगन जल्दी देना, सिम कार्ड ब्लॉक्ड है लेकिन मेमोरी कार्ड में कुछ वीडियोस मिले हैं। इसी ने तो माया को मारा था। दूसरी फाइल खोल। ये इंस्पेक्टर नहीं है। इनबॉक्स के अंदर एक फोटो मिला है और फाइल नेक्स्ट टारगेट के नाम से सेव है। ये तो मेरी दीदी है। हाँ बोल। इस वक्त तू कहाँ है? जीजा माता। सुगन क्या हुआ? दीदी और जीजू कहाँ है? वो दोनों मंदिर में। सुन, उनको अकेला मत छोड़ना, उनके साथ रहना। और कौन सा मंदिर है? श्री राम जी कृष्णा स्वामी मंदिर। वहीं रुके रहना, कहीं जाना मत। मैं वहीं आ रहा। उसे ढूंढ लिया, उसे फॉलो कर रही हूँ। उसे मारकर आपको फोन करती हूँ। इस वक्त तुम लोग कहाँ हो? हम लोग तो घर जा रहे हैं। मैंने तुझे मना किया था वहाँ से कहीं मत जाना। सुगन का फोन है। अच्छा ये ले, दीदी से बात कर। सुगन तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। तो इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं दीदी, सब ठीक है। मैंने मन्नत मांगी है कि सब ठीक हो जाने के बाद तेरे जीजू और मैं मंदिर में गरीबों को भोज करवाएंगे और दान पुण्य भी करेंगे। और पता है मैंने, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस वक्त अपने घर मत जाओ, जीजू के घर जाओ। क्या हुआ, फिर से कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जीजू को फोन दो। एक मिनट देती हूँ। हेलो जीजू, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। आप सीधे घर जाना, दीदी को अपने साथ लेकर जाना, उसे बाहर मत जाने देना। मैं आकर सब समझाता हूँ। चिंता मत करना, मैं ऐसा ही करूँगा। सीबीआई से कॉल ले।
हेलो जीजू, उसकी बहन को उठा लिया है, वो हमारे साथ गाड़ी में है। सुगन ने हमें रोकने की कोशिश की लेकिन हमने उसे बहुत मारा है। अबे गधे, मैंने सुगन को पकड़ने के लिए उसकी बहन को किडनैप करने बोला था, अब क्या करूं? अभी सुगन को उठा के ला। हे हरिकुमार, तुम लोग इससे दूर रहो। मेरी बात सुन। मैंने क्या दिया? दूर रहो। क्या कर रहा है सुगन? नहीं जा सकता। कहाँ जा रहा है तू? ए,
फैमिली अलग है, फ्रेंडशिप अलग है। ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व करूंगा। तुम लोग दखल मत दो, चले जाओ यहां से। ए सुगंध रुक जा यार। नहीं सुगंध, प्लीज मत जाओ। मुझे जाना होगा, मैं इस प्रॉब्लम में तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। बात को समझो, मुझे जाने दो। सुगंध मैं पहले ही तुम्हें बहुत परेशान कर चुका हूँ। मेरी दीदी की तरह अगर तुम्हें भी कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे जाने दो। ए, अब तुझे अलग से समझाऊं? नीचे उतर। सॉरी सुगंध, तू जानता है इतने सालों से हम दोनों साथ में हैं। अगर तू आज प्रॉब्लम है तो मैं तुझे अकेला छोड़ दूं क्या? तो कुछ भी बोल, ये मुझसे ना हो पाएगा। ए! तूने बिल्कुल सही कहा, फ्रेंडशिप और फैमिली अलग अलग है, लेकिन अगर दोस्त मुसीबत में हो तो कोई भी अपनी फैमिली छोड़कर दोस्त की मदद करने जरूर आएगा। मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो एक बार मना करने से तेरे साथ नहीं आऊंगी। दोस्त छोटा रहो, क्या करेंगे वो, तेरे साथ हमें भी मार देंगे ना, देख लेंगे। या तो वो रहेंगे या हम। तुझे पता है वो दीदी को कहाँ लेके गए हैं? मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर दीदी को कुछ हुआ तो प्रियंका, फोन। हेलो सुगन को जरा फोन दो। सुगन, आप किस सुगन की बात कर रहे हैं? कहा ना सुगन को फोन दो। चिनू, कॉल ट्रैक कर, कॉल ट्रैक कर। ओके ओके ओके। हेलो, जानते हो मैं कौन हूँ? अगर कोई भी होशियारी दिखाई तो अपने महल को हमेशा के लिए खो दोगे। वर्धन राजन को हमारे पास ले आओ। मुझे कहाँ पहुँचना है? एड्रेस के लिए फिर से फोन। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो कॉल ट्रैक हो रहा है। दो मिनट में हो जाएगा। उनसे कहो कि हम सबके कॉल ट्रैक करें। कौन था? विजय कृष्ण। क्या बोला? वो वर्धन राजन को लाने के लिए कह रहे हैं। एक मरे हुए आदमी को कैसे ले जाएंगे? सब सही है, सुब्बू सर खतरे से बाहर है। उन्हें होश आ गया? हाँ आ गया। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। सर सर, ये नहीं, लड़की के पापा वहाँ हैं। तो ये कौन है? ये एक्सीडेंट केस के लिए आए हैं सर। ओह सॉरी, टेक केयर। मुबारक हो, तुम्हें बेटी हुई है। मम्मी डर लागे। उस टेररिस्ट वाले ड्रामे के बाद पुलिस वरदराजन को भी जिंदा मानकर चल रही है। हाँ। अगर हम डेड बॉडी लेकर जाएंगे तो वो हमें सीधे फांसी पर चढ़ा देंगे। विजय कृष्णा साफ बच जाएगा, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ। हमें जिंदा रहने के लिए वरदराजन को जिंदा करना होगा। हाँ। समझा? यू कैन डू इट परसू। सुनहरी, ये मेमोरी कार्ड सीबीआई ऑफिसर रियाज को देना, कहना कि सुगन ने दिया। ओके ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं पहुंचा दूंगा। तू पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवा दे। कितने विक्टिम्स थे? ऑन द स्पॉट डेथ, दो लोग थे। अच्छा, व्हाइट कलर का टेम्पो था और वो टेम्पो कोई लेडी चला रही थी। गाड़ी का नंबर क्या था? TN02P7871। ओके मैडम। इसी नंबर की वैन में दीदी को किडनैप किया, लेकिन उन लोगों ने तो सुगन को अन्ना नगर बुलाया था और एक्सीडेंट टी नगर में हुआ था। हाँ। एक काम कर, तू अभी उसी स्पॉट पे। ओके गोपी, मैं अभी चलती हूँ। ए छेनू, तू भी साथ जा। हाँ। और तू पुलिस स्टेशन जा। हाँ। ए, और तू जल्दी से हॉस्पिटल जा। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। सुना नहीं, जाना। मेरे पास बस का किराया नहीं है। चिंदी कहीं का।
टेढ़ी है ना? एकदम वरदराजन लग रहा है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जरूरत क्या है? सुन, अब सीरियस हो जा। कॉमेडी शो में नहीं जा रहे हम लोग। अब मैं क्या करूं? मैं तो सीरियसली कर रहा हूं। कॉमेडी अपने आप हो जाती है। ध्यान से सुन। जब तक मैं ना कहूं कार से उतरना मत, नहीं तो वो लोग तुझे शूट कर। अरे रे, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो मुझे क्यों मारेंगे? अबे, अगर वरदराजन जिंदा होगा तो अपने कातिल को नहीं पहचानेगा। तो वरदराजन ने तुझे भी नाम बताया होगा? मुझे क्यों? अगर वो जिंदा है तो तुझे भी कातिल के बारे में बताया होगा ना? परसों जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकल। तुम्हारी हर बात सर आंखों पर, मारा लगन नहीं था। अंकल कहां है? पहले बता मेरी बैंड कहां है। ये क्या हो रहा है? धोखा दिया। वैन इस तरफ से गई। अगर वैन हाईवे की तरफ गई होती तो टोल नाके पे हमारे पुलिस वाले उसे जरूर पकड़ लेते। कंफर्म वो वैन उस तरफ से नहीं गई है? हाँ मैडम, वो गाड़ी इस रूट से ही गई थी। उन लोगों ने काली ड्रेस पहन रखी थी, हाईवे पर जाते तो पुलिस उन्हें पकड़ चुकी होती। वो गाड़ी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हाँ दे रहा हूँ। अगर वो गाड़ी हाईवे पर नहीं गई तो यही होगी। हमें पूरा एरिया चेक कर लेना चाहिए। साथी होगी। मैं परसों इन्होंने मेरे बारे में बताया। नहीं 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 अर्जेंटली बुलाया कोई खास बात? हाँ, एक केस के लिए। कौन सा केस? वर्ल्ड वाइड। मेरी बहन कहाँ है पता नहीं। <दे। laughs>
नहीं वाले, ये तो खाली है। पर दीदी का है। मुझे तुम दोनों से पूछताछ करनी है। नहीं संपत, सुगंध बेकसूर है। तुम्हें कैसे पता? खुद अंकल ने मुझे ये बताया। मशहूर बिजनेसमैन वर्तराजन की एक अज्ञात महिला द्वारा हत्या की गई है। हत्या के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। अपूर में हत्या के एक असफल प्रयास के बाद आखिरकार चेन्नई में उन्हें मार दिया गया। उस लेडी किलर ने हत्या के आरोप में परसु और सुगंध को फंसाने की कोशिश की। ये कोई मामूली किलर नहीं, प्रोफेशनल किलर जिसे हिटमैन के नाम से जानते हैं। उसने किसी के कहने पर वर्धराजन की हत्या की। शायद बिजनेस राइवलरी का केस हो। ग्रेनाइट स्कैम से जुड़े लोगों पर भी पुलिस को शक हो रहा है। हमने इस विषय में छानबीन शुरू कर दी है। सारे सस्पेक्ट को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। लेडी किलर की कैद से सुगंध की बहन को बचाया जा चुका है और हमने लेडी किलर के घर पे छापा मारा है। वहाँ से हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। हालांकि परसु और सुगंध निर्दोष है, पर पुलिस पर हाथ उठाने के जुर्म में उन दोनों पर केस दर्ज किया गया है। हमें उम्मीद है कि उन्हें हमारे न्यायालय से उचित न्याय मिलेगा। That's all for now. कुछ दिन बाद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ स्वर्गीय वर्धराजन जी की मूर्ति का अनावरण करने इकट्ठा हुए हैं। वो ना सिर्फ मेरे अंकल बल्कि मेरे ससुर विजय कृष्ण ने पर्सनली तुम लोगों को बुलाया। जाओ अंदर जाओ। नहीं सर। अरे जाओ ना, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। बस तुम लोग यहाँ खड़े। अरे आप कहाँ चले? इनके साथ अंदर जाइए। मेरे अंकल ने लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किए हैं। आज उनकी वजह से कई लोगों के घरों में चूल्हा जलता है। वो गरीब लोगों के लिए मसीहा थे। उनका सपना था कि हर कोई एक खुशहाल जिंदगी पाए। उनकी कमी हमेशा हमें महसूस होगी, पर उनकी इस प्रतिमा को देखकर हम हमेशा उन्हें याद करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा उनकी बेटी और मेरी पत्नी रेवती विजय कृष्णा को और उनकी छोटी बेटी रोहिणी वर्धराजन को इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। चल नहीं, मुझे नहीं जाना है। चलो भी नहीं। वो देख कल्पना कहाँ? सब लोग देख रहे हैं। चलिए क्या ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं। अबे फ्लर्ट कर रहा है मातम वाले घर में। हम
मुझे कब देगा? यहाँ क्या कर रही हो? वो रोहिणी है ना, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। कौन? वो पिंक ड्रेस वाली? हाँ। मैंने उसे पहले कहीं देखा है। चांस मार रहे हो? अरे नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने देखा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। क्या हुआ था? कोई मेडिकल प्रॉब्लम? कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, इमोशनल प्रॉब्लम। पागल हो गई थी क्या? ए, 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 कुछ भी बोलता है, लव प्रॉब्लम। रेम्मा गांडी थे गई थी। शट अप यार। हाँ बोलो, क्या हुआ था? थोड़ा पर्सनल है। अरे बताओ ना। सुगन, फोर्स मत करो। उसे अविनाश नाम के लड़के से प्यार हो गया था, वो उसके साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके पापा के आदमियों ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया, और उसके बाद न्यूज आई कि अविनाश ने सुसाइड कर ली। रोहिणी को लगा कि सब में उसके पापा का हाथ है, और उसने जहर खा लिया। बोलो कहाँ भागे थे? चेन्नई से बेंगलोर जा रहे थे। उस वक्त रोहिणी को शादी में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अविनाश के भाई ने उसे शादी के लिए मना लिया और उनकी शादी करवाने की कोशिश की। हमने भी हेल्प की, पर हमें नहीं पता था ये सब हो जाएगा। सुगन, लैला मजनू का हमसे क्या वास्ता? 10 मिनट बैठते हैं, तालियां बजा के ढोकला खा के निकलते हैं, क्या कहते हो? वो देखो, वो देख रहे हो, वो अविनाश का भाई है, पुलिस इंस्पेक्टर। कौन? वो वाइट शर्ट वाला? बाकी सब पूरा हो गया। वो तो सीबीआई ऑफिसर है। अरे वो नहीं, जो उसके पास खड़ा है, यूनिफॉर्म वाला। किसने कहा? एक पुलिस वाला। क्या हुआ, कहाँ खो गए? अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ? हेलो सुधर। हाँ बोल। हॉस्पिटल में मैंने तुम्हें एक प्राइवेट नंबर चेक करने के लिए कहा था। हाँ एक मिनट रुक। तू इधर क्यों आया रे? मैंने बोला था ना मैं आऊंगा, किसी ने देख लिया तो? होल्ड कर रहा, मैं चेक कर रहा हूँ। भाई कुछ अर्जेंट काम था। अरे बोलो कहाँ गए? अरे अपना निकाल। तू यहाँ क्यों है? मैं पैसे भिजवा दूंगा, निकाल। ठीक है भाई। हेलो सुगन। हाँ नंबर मिल गया। हाँ बोल। 9940634546। ओके थैंक्स। 34546। हेलो ऑफिसर, बड़े चैन से बैठे होगे? इतने बड़े बिजनेसमैन को मरवा कर एक हिट वुमन पर सारा ब्लेम लगा दिया, और अब उन्हीं की स्टैचू की ओपनिंग में आया। कौन बोल रहा है? बताता हूँ, पहले तुम घर के अंदर पहुंचो। ठीक है आ गया हूँ। मेरी पहचान बात बताऊं, पहले तुम्हारे बारे में कुछ बताता हूँ। तुम अविनाश के भाई हो, जिसने तुम्हारे कहने पर दौलतमंद वरदराजन की बेटी रोहिणी से प्यार करने का ढोंग किया। प्यार होने के कुछ दिन बाद तुमने रोहिणी को बैंगलोर आकर शादी करने के लिए फोर्स किया। और फिर भी डैडी ना माने तो? शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा। और उस दिन हाईवे पर दो आदमी तुम्हारे रास्ते में स्पीड ब्रेकर, तुम्हारा रातों रात अमीर बनने का सपना चकनाचूर, और तुमने वरदराजन को मरवा दिया, और फिर उन दोनों लड़कों को अपने बिछाए हुए जाल में फंसाना शुरू कर दिया। तुमने उन दोनों को उसी जगह पर बुलवाया जहाँ पे वरदराजन की हत्या हुई, और उन दोनों को फंसा दिया। ए, तू ये सब कैसे जानता है? मैं नहीं जानता था, पर मेरे सवालों का जवाब देकर तूने मेरी सारी थ्योरीज को सच साबित कर दिया। अब बोल चाहता क्या तू? अपने सामने वाले कमरे में जा। जुर्म तूने किया और सजा मैंने भुगती। सही कहा, तूने बिल्कुल सही कहा। अमीर बनने के लिए मैंने अपने भाई से प्यार का नाटक करवाया, और मैंने ही उन्हें बैंगलोर भागने के लिए मजबूर किया। हालांकि रोहिणी को शादी करने में इंटरेस्ट नहीं था, मैं अपने भाई के कातिल वरदराजन से बदला लेने के लिए आम्बोर पहुंचा। उस वक्त मुझे अपने भाई के दोस्त राज से पता चला कि मेरा भाई तेरी वजह से ही हाईवे पर पकड़ा गया था। मैंने वरदराजन की गर्लफ्रेंड माया की मदद से तुम दोनों को रिजॉर्ट बुलवाया, जहाँ उसने तुम्हारे ड्रिंक्स में नशे की गोली मिक्स की। प्लान के मुताबिक माया ने अपना रोल बखूबी निभाया। अरे फिर मैंने वरदराजन को ठोक डाला। दिल तो किया कि तुम दोनों में भी डाल दो। अपने फिंगरप्रिंट्स को मिटाने के बाद मैंने वो पिस्टल तेरे हाथ में पकड़ा दी, और होटल में अपनी खुद की सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को मैंने इरेज कर दिया। तेरे टेररिस्ट वाले ड्रामा ने मुझे चकमा दे दिया, मुझे लगा वरदराजन अभी जिंदा है।
लेकिन क्योंकि रियाज का शक अभी तक विजय कृष्णा पर जा रहा था, मैं चुप रहा। वरदराजन का जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक था। मैंने सारे विटनेसेस को खत्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर लेडी का सहारा लिया, उसने माया को मार डाला। अब मैं तुम दोनों को मारना चाहता था, इसलिए मैंने तेरी बहन को किडनैप कर रहा। मैंने विजय कृष्णा की आवाज में तुझसे बात करके तुझे एक जगह पर बुलाया और फिर तेरी आवाज में विजय कृष्णा से फिरौती के पैसे मांगे और उसे भी उसी जगह पर बुलवाया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट किलर का निशाना चूक गया। तुझे येड़ा समझ के मैंने गलती की, लेकिन तू तो डेढ़ शाना निकला। अगर वरदराजन मर चुका था तो तू उसे बाहर गाड़ी तक कैसे ले गया बे? बहुत आसान था, उसे पिया हुआ बता के अपने कंधे का सहारा देके ले गया। तुझे जिंदा छोड़ के मैंने गलती की। तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत तुम्हें सजाए मौत देती है। यू आर अंडर अरेस्ट दोस्त। वेल डन सुगन। सुगन, सुगन रुक जाओ, पुलिस को बुलाओ। सुगन, Thank you.